वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं ध्यान रखिए एवरी वन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी पेपर बहुत नजदीक है रिवीजन उतना ही अच्छा करना चाहिए आप लोगों को इस वक्त हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पीई टी दो हजार तेईस के लिए ये साइंस का पापा वीडियो है जिसका फर्स्ट पार्ट है ये फिजिक्स फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कॉन्सेप्ट्स प्लस वन लाइनर्स हम इस अकेले वीडियो में कवर करने वाले हैं जो लोग भी पीडीएफ में इंटरेस्टेड हैं क्रैश कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं अपकमिंग आर ओ ए आर ओ एपीएस की वैकेंसीज आई है नहीं और यूपी पी सी एस दो हजार चौबीस का शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी वाला बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है और अपकमिंग और बैचेस स्टार्ट हुए हैं जिसमें आपको सब कुछ जितना आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है उतना कवर कराया जा रहा है तो उन सब के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर सकते हैं तो फिलहाल के लिए हम फिजिक्स कवर करने वाले हैं धन्यवाद चलिए तो फिजिक्स देख लेंगे सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट और उनके यूजर्स फोनोग्राफ नाम से पता चल रहा है जो कि साउंड वेव्स को रिकॉर्ड करे फोनोमीटर डिवाइस यूज्ड टू मेजर साउंड इंटेंसिटी लेवल फोटोमीटर नेशन और इंटेंसिटी दो सोर्स की कंपेयर करने वाला डिवाइस फोटोग्राफिक कैमरा सब जानते हैं फोटो टेलीग्राफ फोटो ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस होता है पिपेट थिन ग्लास ट्यूब फॉर मेजरिंग अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पॉलीग्राफ तो सब सीरीज वगैरह देख के आए होते हैं तो सबको पता होता है लाइट डिटेक्टर पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पोटोमीटर ट्रांसपेरेशन रेट्स मेजर करना प्लांट्स में पाइक्नोमीटर डेंसिटी और कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड मेजर करता है ये पायरोमीटर बहुत ही हाई टेम्परेचर मेजर करता है पायरेलीमीटर सोलर रेडिएशन मेजर करता है कोड्रांट

डिटर्मनिंग दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडिया रेफ्रिजरेटर फूड प्रिजर्वेशन इक्विपमेंट है ये नहीं मारना है आपको ठंडा करता है सेफ्टी लैम्प लाइटनिंग डिवाइस यूज इन माइंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इन माइंड क्रिगॉज टू मेजर फाइन वायर बहुत पतले तार नहीं होते उनका डायमीटर एंड ऑल मेजर करने के लिए सियासमोग्राफ सीएसमिक इंटेंसिटी मेजर करने के लिए और सीएसमो मीटर भी सेम टू मेजर सियासमिक इंटेंसिटी एक्चुअली ग्राफ पे यू कैन प्लॉटेड ऑल्सो मेजर करके ना आप कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हाइट स्पेक्ट्रोस्कोप ये स्पेक्ट्रम एनालाइजर होता है स्पीडोमीटर मोटर व्हीकल्स की स्पीड मेजर करता है स्पेरोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग दर्वेचर ऑफ अ सर्विस फिग्नोमैनोमीटर सबके घरों में भी आजकल तो ब्लड प्रेशर एंड आर्टरीज मेजर करता है स्फिग्मोफोन हार्ट पल्स रेट लाउडली सुनने के लिए स्फिग्मोस्कोप टू स्टडी द वाइब्रेशंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पल्सेस स्टीरियोस्कोप टू डी इमेजेस लेता है स्ट्रेथोस्कोप आप जानते हैं स्टॉप वॉच यू नो दिस स्ट्रेबोस्कोप टू फाइंड द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रोटेटिंग विद पीरियडिक मोशन टैकोमीटर मेजरिंग डिस्टेंस एलिवेशन एट द टाइम ऑफ सर्वे टैकोमीटर स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट अभी आपने डिस्टेंट एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था टैक्सीमीटर तो आप जानते हैं टैक्सी फेयर के लिए है थर्मोस्टार्ट यूज टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर जो ये नॉर्मल बॉटल्स वगैरह होती हैं जिसमें आप पानी वगैरह रखते हैं जिसमें ठंडा ठंडा रहता है और गर्म 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 रहता है वो होता है। ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज रेगुलेटर ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है जो मैकेनिकल वर्क करोटेशनल एनर्जी उसी से तो रोटेट करता है गुल -गुल. और गॉज रेन मेजर करने के लिए अल्ट्रासोनोस्कोप ब्रेन ट्यूमर और हार्ट डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए विस्कोमीटर विस्कोसिटी शयंता सुना होगा आपने गाढ़ापन जो होता है जैसे शहद होता है वो विस्कस है वो मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वॉट मीटर फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पार वेव मीटर फॉर मेजरिंग देव लेंथ ऑफ रेडियो वेव जीरोक्स मशीन तो फोटो कॉपी एक्सरे मशीन कॉमन इमेजिंग टेस्ट है जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनको ग्राफ क्या है ये जिंक पे प्रिंटिंग के लिए यूज होता है वैक्यूम क्लीनर डस्ट क्लीनर वॉन्डेग्राफ जनरेटर हाई वोल्टेज जनरेटर है वेंचुरी मीटर यूज इन द मेजरमेंट ऑफ फ्लूड फ्लो वीडियो फोन सच ए टेलीफोन इन विच फोटो कम्स अलॉन्ग विद वॉइस Telex, helpful tool in direct exchange of news between two countries. Telemeter, used to record distant physical events. Teleprinter, manual reception of distant telegraphic messages. Telescope, to see distant things closer. Theodolite, to find the measure of transverse and vertical angles. थर्मोमीटर यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर थर्मो पाइल क्या होता है रेडिएशन इंटेंसिटी मेजर करता है ऑल्टीमीटर ऑल्टीट्यूड ऑफ प्लेन्स मेजर करता है एमीटर क्या करता है इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर्स में मेजर करता है एनिमोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड पार एंड स्पीड एपी ये आपका ओपेक इमेजेस होते हैं ना उनको प्रोजेक्ट करता है स्क्रीन पे धुंधली हल्की सी जो इमेजेस होती हैं जिसमें से लाइट मतलब आर पार नहीं हो सकती नॉट धुंधली ओपेक मतलब जिसमें से लाइट नहीं पास थ्रू होती है ऑडियोमीटर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हियरिंग कैपेसिटी ऑफ पर्सन साउंड लेवल इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑडियोफोन हियरिंग एड्स में यूज होता है साउंड लेवल मीटर टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड और ए स्कोप टू एक्सामिन द इनर पार्ट ऑफ द ईयर एवोमीटर रेडियो फॉल्ट लोकेटर है एक्सेलरोमीटर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ व्हीकल स्पीड एक्मिल एनर्जी स्टोरेज एक्टिनोमीटर क्या है इंटेंसिटी ऑफ सनरेज मेजर करता है एरोमीटर टू मेजर वेट डेंसिटी ऑफ एयर एंड गैसेज कैलिपर्स सिलेंड्रिकल डायमीटर गॉज मेजर करने के लिए आपने स्कूल में भी करा होगा यूज हंड्रेड परसेंट कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट देखता है कार्ब्यूरेटर आप जानते हैं इंटरनल कंबेशन पेट्रोल इंजन में यूज होता है बोलोमीटर

कैथेटोमीटर uh, uh, बहुत सारे हाइट लेवल जो डिफरेंसेस होते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में उनको मेजर करता है कैथोडरी ट्यूब एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में यूज होता है क्रोनोमीटर टू टेल द एग्जैक्ट टाइम ऑन शिप्स शिप्स पे टाइम बताना होता है ना कम्यूटेटर क्या होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है कंपास बॉक्स टू फाइंड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एट अ प्लेस कूलेज ट्यूब क्या होती है एक्सरे प्रोड्यूस करती है क्रेस्कोग्राफ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स क्रायोमीटर क्या होता है

डिक्टा फोन टू रिकॉर्ड योर वॉइस टू लिसन टू दी अदर पर्सन डायलैटोमीटर चेंज ऑफ वॉल्यूम प्रोड्यूस इन एन ऑब्जेक्ट डीप सर्कल टू मेजर डायनामो डायनाल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वैसे ही अलग से टेबल करा दूंगी मैं आपको भी कौन सा कौन सी इलेक्ट्रिसिटी को किसमें कन्वर्ट करता है ठीक है जी डायनामोमीटर पार जनरेटेड बाय इंजन इलेक्ट्रिक मीटर डिवाइस यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन मैकेनिकल एनर्जी तो मतलब डायनामो का उल्टा इलेक्ट्रो एनसी ब्रेन पोटेंशियल मेजर करता है बता देता होगा आपका पेपर क्लियर होएगा या नहीं होएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज टू मेजर माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया इलेक्ट्रोस्कोप यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज हंसते खेलते कर लो पढ़ाई तो ज्यादा सही रहता है ना एंडोस्कोप इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी इन द ह्यूमन बॉडी एंडोस्कोप ही नहीं होती एपिडियोस्कोप इंस्ट्रूमेंट यूज इन प्रोजेक्टिंग पिक्चर्स ऑन स्क्रीन देन एक्सकेलेटर तो आप जानते हो चलने वाली सीढ़ी मैकेनिकल लेडर फैटोमीटर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द ओशन फायर एक्सटेंगुर आग बुझाने का काम करता है फ्लक्स फ्लक्स मीटर मैग्नेटिक मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट का प्रेजेंस है या नहीं बताता है गेनोंग स्पाइरोमीटर रेस्पिरेटरी मेजर करता है गेगर गैगरमूलर जीएम काउंटर सुना होगा टू कैलकुलेट द रेडिएशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव सोर्स ग्रैबोमीटर क्या होता है अंडर वाटर ऑयल डिटेक्टर है जैसे ऑयल सिल्क वगैरह नहीं हो जाते हैं कई बार क्या होता है शिप्स पे से बह जाता है तेल समुद्रों में तो उसको देखने के लिए टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट हार्ट लंग मशीन हार्ट और लंग सर्जरी करता है हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी नापता है लिक्विड्स की हाइड्रोफोन डिवाइस यूज टू काउंट अंडर वाटर साउंड वेव्स हाई ग्रोमीटर एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी नापता है हाई ग्रोस्कोप चेंज बताता है एटमोस्फेरिक uh, ह्यूमिडिटी का इनक्यूबेटर क्या है एक uh, क्या होता है जब बच्चा प्रीमेच्योर होता है आपने सुना होगा ना नर्सरी में रखा है बच्चा तो वो इंक्यूबेटर है बेसिकली वो फेवरेबल कंडीशन प्रिपेयर करके वहां पर रखा जाता है जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं उनके लिए जैक क्या होता है जैक तो आप जानते हैं वो उठाने के लिए लिफ्ट करने के लिए हैवी ऑब्जेक्ट्स को कैलेडोस्कोप ये मेलो वगैरह में देखा होगा आपने कभी वहां पे भी लगे होते हैं ये विजुलाइजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर्स काइमोग्राफ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ हार्ट एंड लंग स्पीड पल्स लैक्टोमीटर मिल्क का प्योरिटी चेक करता है देन वी हैव लाइटनिंग कंडक्टर यूजफुल इन हाई राइज बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लाइटनिंग आजकल लगाए जाते हैं ये बिल्डिंग्स पे लाउड स्पीकर यूज टू कन्वर्ट अ लो पिच इन अ लाउड पिच मैकमीटर स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट रिलेटेड टू स्पीड ऑफ साउंड मेजर करता है मैग्नेटोमीटर डिवाइस फॉर कंपेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स मैनोमीटर डिवाइस कैन बी टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मेगाफोन टू कैरी साउंड टू डिस्टरेंट प्लेज माइक्रोमीटर टू फाइंड थाउजेंट ऑफ अ मिलीमीटर मतलब वन ऑफ अ थाउजेंट ऑफ अ मिलीमीटर बहुत ही छोटा नाप देता है ये माइक्रोफोन कन्वर्टिंग साउंड वेव्स इंटू इलेक्ट्रिकल वेव्स माइक्रोस्कोप यूज फॉर मैग्निफाइड व्यू ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स माइक्रोटोम बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में किसी चीज को काटने के लिए यूज होता है नेफ्टोमीटर यूज टू मेजर स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय इन्सोलेबल पार्टिकल्स इन अ लिक्विड ओडोमीटर टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील्स ऑफ अ व्हीकल ओमीटर डिवाइस फॉर मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑस्केलोग्राफ डिवाइस फॉर ग्राफिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाइब्रेशन पैराशूट इमरजेंसी लैंडिंग के लिए पेरास्कोप यूज होता है आपका ऑप्टिकल डिवाइस है बाय विच द ऑब्जर्वर कैन सी द एनवायरमेंट अराउंड हिम इवन बाई बीइंग हिडन सबमरीन्स में, में क्रूजर्स में टारगेट देखने के लिए और आपका एनिमी एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए ये यूज होता है तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हमने यहाँ पे कर लिए इससे बाहर तो मुश्किल ही आएगा है ना तो ये वाले आपको करके जाने ही जाने हैं चलिए कुछ ऐसा डिराइव्ड यूनिट्स यूनिट्स हैं हैं जो कि है बेस में तो ये देखनी आपको। एरिया की क्या है पर किलोग्राम स्पीडिटीज एम स्लैश एस लिखते हैं मीटर पर सेकेंड ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन कैंडेला पर स्क्वायर मीटर एंगुलर विलोसिटी रेडियन पर सेकेंड केनेमैटिक विस्कोसिटी स्क्वायर मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकंड देन एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम स्क्वायर मीटर रेडियस ऑफ गायरेशन मीटर लीनियर सुपरफिशियल वॉल्यूम एक्सपेंसिविटीज पर कैलवेन फ्लोरेट क्यूबिक मीटर पर सेकेंड वेव नंबर पर मीटर डेंसिटी मास डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर करंट डेंसिटी एम्पेयर पर स्क्वायर मीटर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एम्पेयर पर मीटर और मैग्नेटिक मोमेंट डेंसिटी का भी सेम है नाउ यू हैव सम मोर मैग्नेटिक मोमेंट जूल पर टेस्ला मोलर एंट्रोपी मोलर हीट कैपेसिटी जूल पर मोर मोल कैन विन डायपोल मोवमेंट कुलॉम मीटर एक्सपोजर एक्स एंड वाई वायरेज कुलॉम पर किलोग्राम ग्रे पर सेकेंड कंप्रेसिबिलिटी पर पास्कल डायनामिक विस्कोसिटी पॉस्टूसल्स और पास्कल सेकेंड और न्यूटन पर न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर कोई भी हो सकता है है ना टॉर्क कपल मोमेंट न्यूटन मीटर इलास्टिसिटी कोफिशियंट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर सर्फिस टेंशन न्यूटन पर मीटर प्रेशर ग्रेडियंट पास्कल पर मीटर पार डेंसिटी रेडियंस हीट फ्लक्स डेंसिटी वॉट पर स्क्वायर मीटर सर्फे पोटेंशियल जूल पर किलोग्राम इंपॉर्टेंट है हीट कैपैसिटी इंपॉर्टेंट है जूल पर कैलवे प्रेशर एनर्जी पास्कल क्यूबिक मीटर इम्पल्स न्यूटन सेकंड एंगुलर इम्पल्स न्यूटन मीटर सेकंड स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक एंट्रोपी जूल पर किलोग्राम कैलवेन स्पेसिफिक एनर्जी लेटेंट हीट जूल पर किलोग्राम रेडिएशन इंटेंसिटी वॉट स्टेरिडियन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोट पर मीटर मैग्नेटिज्म हैनरी पर मीटर इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी कुलॉम पर क्यूबिक मीटर मोलर एनर्जी जूल पर मोल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कुलॉम पर स्क्वायर मीटर एंगुलर मोमेंटम प्लांट्स कॉन्स्टेंट जूल सेकेंड तो इंपॉर्टेंट है एक बार रिवाइज कर लेना बस देख लो एक बार है ना तो अभी लगता होगा टेबल में बहुत सारी एग्जाम में तो एक पूछेगा तो आपको पहचान नहीं है तो पहचान लेते हैं आमतौर पर अगर आप ढंग से देख के जा रहे हो तो ये रहा देखो मैंने कहा था ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी अलग अलग ऑपरेटर से यहीं पे कर लेंगे सारी हम डायनामो क्या करता है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिकल में अभी एनर्जी एनर्जी तो बार बार नहीं पढ़ू ना चल जाएगा इतना तो लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिक टू साउंड सोलर सेल सोलर टू इलेक्ट्रिकल दिमाग से भी हो जाएगा वैसे ऐसी बात नहीं है नहीं भी बताओ जैसे ट्यूबलाइट है ट्यूबलाइट क्या कर रहा होगा आपने ऑन करी आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी आपको क्या मिली लाइट रोशनी अंधेरे वाले कमरे में रोशनी होगी इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक टू हीट और लाइट क्योंकि देखो ट्यूबलाइट इतनी गर्म नहीं हो रही होती इलेक्ट्रिक बल्ब तो थोड़ी गर्मी भी कर देता उस कमरे में जहां पे जल रहा होता आजकल तो यूज नहीं होते खैर पहले होते थे इलेक्ट्रिक सेल केमिकल से इलेक्ट्रिक कैंडल केमिकल लाइट एंड हीट कैंडल से भी तो हीट एनर्जी निकलती है सितार मैकेनिकल से साउंड इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिकल से हीट बैटरी केमिकल से इलेक्ट्रिकल स्टीम इंजन हीट से काइनेटिक बहुत पूछता है गेलवानिक आइसोलेशन इलेक्ट्रिकल से केमिकल इलेक्ट्रिक स्टोव इलेक्ट्रिक टू हीट एंड लाइट इलेक्ट्रिक फैन इलेक्ट्रिक टू मकेनिकल टर्बाइन अब आप बोलोगे हवा एनर्जी है ना नहीं मकैनिकल एनर्जी है ना टर्बाइन मकैनिकल टू इलेक्ट्रिकल विंड मिल्स विंड टू इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रो मैग्नेट इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक एनर्जी ऑफकोर्स थर्मो इलेक्ट्रिक हीट टू इलेक्ट्रिस फोटोसेंथेसिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएस टू केमिकल एनर्जी हाइड्रोलेक्ट्रिक डैम्स ग्राविटेशन पोटेंशियल एनर्जी टू एक्ट्रिक एनजर फोटोलेक्ट्रिक सेल लाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर मकैनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेलीफोन रिसीवर रेडियो साउंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक आयन इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी फोटोग्राफिक प्लेट लाइट टू केमिकल लैंप इलेक्ट्रिकल टू लाइट एंड हीट अटोमिक बॉम्ब न्यूक्लियर टू लाइट हीट हीट लाइट प्लस साउंड आवाज भी तो आती है रेक्टिफायर इतनी इतनी कम नहीं होती वैसे जितनी मैंने बताई है ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट ठीक है तो ये बस इससे बाहर मुश्किल पूछेगा इंपॉर्टेंट है सारे देख लेना एक बार कुछ इन्वेंशन और उनके इन्वेंटर्स सारे तो नहीं पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट वाले बता देते हैं चलिए आपको है ना पढ़ लीजिए एक बार क्रोनोमीटर जॉन हेरिंसन टैलिसिस मशीन इंपॉर्टेंट है विलियम कॉफ फोटोमीटर एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग न्यूक्लियर फोर्नस इंपॉर्टेंट है निकोफोमी इज इंपॉर्टेंट माइकल फैराडे गैस इंजर डामलर वायरलेस टेलीग्राफी मार्कोनी इलेक्ट्रिक बल्ब एडिसन साइक्लोट्रोन लॉरेंस स्पेक्ट्रोस्कोप बंशन एंड गर्शॉफ लाइटनिंग रॉड कंडक्टर फ्रैंकलिन ट्रांजिस्टर शॉकलेन बार्डन वॉल्टर ब्रैटन रडार रॉबर्ट वॉटसन सबमरीन कॉर्निस ड्रेबिल बाइसिकल मैकमिलन इंपॉर्टेंट है पूछ लेता है पैराशूट पूछ लेता है लुईस बाशन लेनोरमांड प्रिंटिंग मशीन जे गुटिनबर्ग कैमरा लेंस सी शेवलियर गायरोस्कोप फोकॉल्ट इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मर ऑटोब्लैथी सेफ्टी रेजर जिलेट तो नाम से है इंपॉर्टेंट है जेसी बोस स्टीम इंजन जेम्स वॉट रेडियो मार्कोनी और बॉल पेन आ चुका है पेपर में एक बार जॉन जे लाउड डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल इलेक्ट्रिक फैन व्हीलर माइक्रोस्कोप जैनसन पेट्रोल कार कॉल बेंस ये तो नाम से आ जाएगा टाइपिंग मशीन शोल्स पूछ चुका है प्रिंटिंग मशीन जे गुटनबर्ग गन जेम्स पखल जेट इंजन फ्रैंक हो माइक्रोमीटर विलियम एयर कंडीशनर कैरियर कैरियर के आते हैं ना शायद नहीं कुछ और है शायद स्कूटर जी ब्रैडशॉप से रॉबर्ट मैले रेफ्रिजरेटर एंड मंटर्स जॉन कैम्बल लिफ्ट लिफ्ट पूछ चुका है इजीओटिस आ सकता है ये टेलीफोन ग्राहम्बेल थर्मो एनिक डायोड दा, जे फ्लेमिंग ग्रामोफोन एडिसन स्टीम इंजन तो बता चुकी मैं आपको ई मेल रेम टेलीविजन जे एल बार्ड और थर्मोमीटर फैरानाइट मिलिट्री टैंक स्विंटन फाउंटेन पेन वाटरमैन बैरोमीटर आ चुका टोरसली एरोप्लेन राइट ब्रदर्स आप जानते ही ठीक है तो इसमें से इंपॉर्टेंट वाले देख लो थोड़े से ही हैं तो वैसे सारे याद हो जाएंगे एक एक बार पढ़ने हैं याद क्या करना है इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स फिजिक्स से रिलेटेड हैं कुछ दिए हुए हैं देख लो जरा एक बार इलेक्ट्रिक करंट एलेक्जेंडर वोल्टा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट थॉमस यंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हेनरिक हर्ड्स इलेक्ट्रिक चार्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन current electricity and electric battery alexander volta wave theory of light huygens static electricity thales law of electric attraction coulomb law of electric resistance simon ohm logarithm briggs and j napier modern x-ray tube coolidge mechanical equivalent of heat joule thermionic emission thomas alva edison speed of light Romer diode wolf j fleming cloud chamber ctr wilson electric charge ra millikan डायनामाइट तो आप जानते हैं एल्फ्रेड नोबल न्यूट्रीनो डब्ल्यू पॉली लेजर रेज टी एच मेमैन सेफ्टी लैम्प एच डेवी फोटॉन एलबर्ट आइंसटीन रेडियो एक्टिविटी एच बेकुर बहुत बार आता है क्वेश्चन हेनरी बेकरल इंडक्शन कॉइल एच डी रूमकोरिफ सुपरकंडिविटी के ऑन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन कॉरपस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट न्यूटन law of cooling newton law of pressure pascal speed of light in liquid foucault artificial disintegration of atom enrico fermi principle of flotation आकोमिडीज लॉज ऑफ मोशन न्यूटन न्यूक्लियर फिजन ऑटोहैम एंड स्ट्रेसमैन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट थॉमस यंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइकल फेराटे ऐसा है ना कि आप ये सारी चीजें सिर्फ एक बार रिवाइज कीजिए एंड आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग जैसे हम पढ़ रहे हैं तो अब आप हल्का सा वीडियो पॉज करके हल्का सा पीछे करके एक बार निगाह ऐसे जैसे मैं आपको स्क्रॉल कर रही हूँ ना तो आप एक बार निगाह फिर से मार लीजिए तो आप यहीं पर अगर शायद टू टू थ्री मिनट्स एक्स्ट्रा दे देंगे हार्डली फाइव मिनट्स दे दिए तो मतलब बहुत ही अच्छा है तो फिर बाद में ना आपका घंटों का रिविजन बच जाता है हमेशा आप नोटिस करके देखना जब भी आपने कोई चीज पढ़ी है ना उसको तभी रिवाइज कर लो एक बार बहुत टाइम बचता है बाद में फिर और अभी तो एग्जाम जब नजदीक होता है ना तो फिर दिमाग अपने आप से फिर वो तेज वाले मोड पे काम करता है ठीक है चलो अब टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं ये भी आ है, है भी आ जाता है है क्वेश्चन काफी आता ना ऐसे जैसे स्टीम इंजन किस पे है? पे है लॉ ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन नहीं है देखो फिजन और फ्यूजन में फर्क समझना रेडियो एंड टेलीविजन जनरेशन प्रोपोगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंप्यूटर्स डिजिटल लॉजिक पे कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन ऑफ लेजर स्टार्ट ऑफ लेजर स्टमलेटेड एमिशन और स्टार्ट ऑफ लेजर इज कॉन्टेन्यूस एमिशन Production of ultra high magnetic fields, superconductivity. Rocket propulsion, Newton's law of motion. Electric generator, Faraday's laws of electromagnetic induction. Hydroelectric power, conversion of gravitational potential energy into electrical energy. Aeroplane, Bernoulli's principle in fluid dynamics. Particle accelerators, motion of charged particles in electromagnetic fields. Sonar, reflection of ultrasonic waves. ऑप्टिकल फाइबर्स आप जानते हैं टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग ऑप्टिकल इंटरफेरेंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोटोसेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर टू कम एक्ट मैग्नेटिक कॉन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा जॉयट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप टी डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक रेडियो वेव्स बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बीईसी जिसको बोलते हैं ट्राफिक एंड कूलिंग ऑफ एटम्स बाय लेजर बीम्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स तो ये आपका उस हिसाब से हो गया है ना ये भी इंपॉर्टेंट है आ जाता है डिफरेंस दिया हुआ है वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है वेट का पहले तो ये देख लो सिंबल और एम मास का एम ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर यूनिट क्या है न्यूटन मास की क्या है ग्राम और केजी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो यही हो गया वेट अलग अलग जगहों के हिसाब से होता है और मास हमेशा कांस्टेंट रहता है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ डिफरेंस यही है स्पीड ऑफ साउंड इन सम मीडियम सारे याद करने आपको कंपेरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा यहाँ पे देखो ऑप्शन में अगर सीओ टू है कहीं पे तो याद रखना सीओ टू की सबसे कम है देखो और वहीं पे आपका आ, अरेंज करने के लिए पूछ लिया है तो जनरली ऐसा होगा कि सीओ टू को पकड़ के आप अरेंज कर ले जाएंगे बाकियों को। एक ही में होगा कि सीओ टू सबसे पहले दे रखा होगा ठीक है एल्यूमिनियम है तो देखो एलुमिनियम की सबसे ज्यादा है एलुमिनियम जो आसपास के हैं तो आयरन ग्लास एलुमिनियम ऐड कर लो ऐसा नहीं होगा वो सी वाटर आयरन ग्लास एलुमिनियम दे देगा वैसे तो देखो है आपके सामने लिखा हुआ तो आप कर दोगे पर इतना नहीं याद रह पाता है वी कैन अंडरस्टैंड इट तो आप इस हिसाब से तैयार कर लो जैसे अल्कोहल की देख लो वो ये कभी नहीं पूछेगा अल्कोहल और इसकी मैच करो नो नेवर इट विल आस्क और देखो पूछेगा तो मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन छोड़ देना और भाई रट सकते हो इनको तो कोई बात ही नहीं है फिर तो है ना जीनियस है आप चलिए स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम एट ट्वेंटी फाइव डिग्री देख लो सॉलिड्स में एल्यूमिनियम की देखो ऐसे नीचे फिर लिक्विड्स में देख लो वाटर गैसेस में देखो हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा इस हिसाब से याद कर लो मतलब कंपैरेटिव एनालिसिस याद कर लो इसका हर एक की तो देखो नहीं याद रख पाओगे एक एक की मैच करने के लिए मेरा यह टेक है इसमें बाकी आपके सामने लिखा हुआ है आप पॉज करिए आप पढ़िए आप कुछ भी कीजिए आपकी मर्जी है पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं ठीक है जी चलिए अ साउंड इंटेंसिटी इन डेसिबल ये कई बार पूछ लेता है जैसे विस्पर है मतलब विस्पर, समझते हैं न? ऐसे बोलना फुसफुसाहट जिसको कहते हैं तो डेसिबल्स में पंद्रह से बीस होता उसका, 40 है उसका ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशन फोर्टी टू सिक्सटी है लाउड स्पीकर पर सेवेंटी टू एट्टी हो जाता है हीटेड अच्छा तूने ये कहा था तूने वो कहा था मैं सेवेंटी एट्टी हो जाता है हैवी मोटर व्हीकल मोटर बाइक में नाइन्टी टू नाइनटी फाइव हो जाता है अब देखो साइरन देखो कितना ज्यादा है मिसाइल देखो रॉकेट देखो अब देखो रॉकेट और मिसाइल लिखा है तो अपने आप ही कर दोगे ना कि मिसाइल की ज्यादा होगी रॉकेट से साइरन की मिसाइल से भी ज्यादा होगी इतना तो खैर खुद लॉजिक से भी कर दोगे मेरे ख्याल से है ना चलो अब डिफरेंस देखिए आप रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की जो अपोज करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट और डिपेंड करता है उसकी शेप साइज ऑफ मटेरियल टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द मटीरियल यही है लेकिन नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो सब सबको नहीं साफ कर देना है दो को करना है बस में दो को मौजूद रहना है वहां पे नेचर और टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा आर कैपिटल आर और ये ग्रीक लेटर होता है रो इससे डिपेक्ट होता है यूनिट है ओम ये उल्टी मटकी टाइप है कुछ और ये ओम मीटर है रेजिस्टिविटी it's not constant term for the given substance and it can be changed by changing the length and cross sectional area of that material and this is constant resistance is defined as the as an object's complete opposition the object he completely uh, rok the current flow ko. and it is basically an object's resistance to its resistivity amount of resistance a given thing can offer uh, per cubic meter इसमें होता है ये कई बार स्टेटमेंट में आ सकता है कई बार नॉर्मली अलग से भी पूछ सकता है तो ये जो इम्पोर्टेंट वाले इंपॉर्टेंट वाले टेबल है, ये हम करा देते हैं ठीक है जी चलिए तो अब कुछ यूनिट्स मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स यूनिट दिए हुए हैं ये देख लीजिए आप थोड़े से यूनिट मेजरमेंट आप जानते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का इट कंपैरिजन ऑफ सर्टेन बेसिक आर्बिट्रिल चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं ये रेफरेंसेस जिनको कहते हैं यूनिट रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस न्यूमेरिकल मेजर कंपनीड बाय अट दो तरह की यूनिट हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड फंडामेंटल वो है जो बेस क्वान्टिटीज हैं है ना जो मतलब सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो बाकी की है इनके अलावा वो इनके कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेस हो सकती है मीटर किलोग्राम सेकेंड डिराइव्ड वो है जो ये फंडामेंटल से डिराइव है इट इज एज सिंपल एज दैट यूनिट ऑफ एरिया वॉल्यूम डेंसिटी स्पीड वर्क पार ये सब फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की हैं क्वेश्चन यहां से ज्यादा आता है स्केलर क्वांटिटीज और वैक्टर क्वान्टिटीज स्केलर वो है जिसमें मैग्निट्यूड है बस ठीक मतलब, है और इसके examples पे ध्यान देना. आपको length, density, volume, ये सारे प्लीज एक पढ़ लीजिएगा. ठीक है वेक्टर वो है जिसमें मैग्नेट्यूड प्लस डायरेक्शन है एंड इट ओबेज द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और इक्वेलेंटली पैरलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन मतलब वैक्टर इज स्पेसिफाइड बाई इट्स मैग्नेट्यूड बाय नंबर प्लस इट्स डायरेक्शन जैसे कि ये सारे एग्जाम्पल्स हैं डिस्प्लेसमेंट है एक्सेलरेशन है फोर्स है मोमेंटम है ये सब तो ये पूछेगा आपसे कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है कौन सी स्केलर क्वांटिटी है वहां फस जाओगे फिर ठीक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ मीटर स्केल यूज फॉर लेंथ टू टेनरिस्ट पार माइनस थ्री से टेनरिस्ट पार टू माइनस में है ये टू में है वर्नियर कैलिप टेनरिस्ट पार माइनस फोर के लिए और स्क्रूगॉज फेरोमीटर जो जिसका लेंथ बहुत ही कम है मतलब माइनस फाइव तो ये देखना ना दोनों में फर्क मीटर स्केल वन ईयर कैलेपर्स और स्क्रूगॉज या फिर स्फेरोमीटर किस लिए मेजर मतलब क्या मेजर करता है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इसीलिए ठीक है जी चलिए मैकेनिक्स देख लीजिए थोड़ा बहुत मोशन क्या है अगर पोजिशन बॉडी की चेंज होती है विद टाइम तो मतलब बॉडी मोशन में है Rest and motion are definitely related to each other. कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है सेम डिस्टेंस इन इक्वल टाइम विद विलोसिटी तो मोशन उसका कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन The body with the uniform speed is not accelerated. If a person drops a ball on a platform in a train running at the same speed, the path of the ball will be parabolic. If an object covers an uneven, ये कभी पूछेगा नहीं आपसे सिर्फ समझने के लिए ये. If an object covers an uneven distance in equal intervals of time, तो उसको कहते हैं non-uniform. बस uniform, non-uniform के बीच का difference याद रखो.

स्टार्ट होती है तो पैसेंजर्स एकदम पीछे की तरफ फॉरवर्ड जाते हैं डायरेक्शन मतलब तो तो है, है, है ना एज इक्व टू एफ अपॉन एम क्रिकेट प्लेयर क्या होता है हल्का सा हाथ पीछे नहीं करता जब कैच करते हैं बॉल को हम तो ये कहते हैं चोट लग जाएगी लेकिन वो ये वाला लॉ लग रहा होता है वहां पे थर्ड लॉ एवरी एक्शन दर इज एन इक्वन ऑपोजिट रिएक्शन तो हर दुनिया में हर चीज में अप्लाई होता है मेरे हिसाब से फोर्स अपलाइड बाई दर्ट ऑब्जेक्ट टी अदर इज नोन एज एक्शन और फोर्स अप्लाइड बाई द सेकेंड टू दर्स्ट इन एज रियक्शन और इसको कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ जैसे फायरिंग ऑफ अ बुलेट में गन रिकॉल करती है पीछे की तरफ बहुत तेज ड्यूरिंग पुलिंग वॉटर फ्रॉम दी वैल समथिंग द रोप ब्रेक्स एंड द मैन फॉल्स बिहाइंड वैली ठीक है डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस इज बेसिक बेसिकली टोटल लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी इन अ पर्टिकुलर इंटरवल विदाउट टेकिंग अकाउंट इन द डायरेक्शन तो ये स्केलर क्वांटिटी है जब डायरेक्शन नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है है ना और ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ऐसा यूनिट इसकी मीटर है ध्यान रखना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में फर्क बहुत ध्यान से देखना डिस्प्लेसमेंट क्या है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन सेम बात है और इसका जो चेंज है इट विल बी दिस इज इक्वल टू चेंज इन पोजिशन ऑफ द इनिशियल तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी और ये मीटर होता है मैग्निट्यूड्लेसमेंट मे और मे नॉट लाइफ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है लेकिन बिटवीन टू डिस्टेंस है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है समझ रहे आप डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी है तो एक स्केलर है एक वेक्टर है आप सुनिएगा तो जीरो नहीं हो सकता लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है मान लीजिए आप यहां से आपने शुरू किया घूम के आप यहां पे आ गए तो आपका डिस्टेंस तो ट्रैवल किया आपने कुछ लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच का डिस्टेंस ठीक है स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ये एक स्केलर क्वांटिटी है और आप जानते हैं यूनिट वेलोसिटी डिस्टेंस दैट एन ऑब्जेक्ट कवर्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम दैट इज डिस्टेंस इट इज डिस्प्लेस्ड वो कहता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ऐसा यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है लाइन लिखी आ सकती है एज इट इज एक्सेलेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ विलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एक्सेलेन इट्स अ वक्टर क्वांटिटी इट्स चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्र आपका फ्रिक्शन क्या है देखिए अब ऐसी प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसिस इन कॉन्टेक्ट इज अपोज उसे कहते हैं फ्रिक्शन टाइप अभी समझ आ जाएगा आपको स्टेटिक फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन फ्लूड फ्रिक्शन देखिए रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है जो बॉल बेरिंग होता है वो डिवाइस होता है जो रोटेशनल या लीनियर मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप फिसल जाएंगे ना जगहों से

और कैसे रिड्यूस कर, कर सकते हैं बाई पॉलिशिंग द सर्फिस यूजिंग एंटी फ्रिक्शन मेटल्स यूजिंग बॉल बेयरिंग्स एंड यूजिंग अ ल्यूब्रिकेंट ऐसे आप रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को क्लियर हो गई बातें वर्क एनर्जी एंड पारक वर्क वर्क क्या है बाई द एक्शन ऑफ अ फोर्स इट इज सेट टू बी डन इफ वेन एक्टिंग दर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है फोर्स लगाने के बावजूद भी तो कोई काम हुआ ही नहीं है

अगर आप दीवार पुश कर रहे हो और वो डिस्प्लेस नहीं हो रही है तो इसका मतलब कोई काम नहीं हुआ है क्योंकि वर्क इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर देन द वर्क डन इज जीरो क्लियर एनर्जी अब एनर्जी क्या है एनर्जी इज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क हर चीज में एनर्जी खर्च होती है पलक झपक रहे हैं आप तो भी कैलोरीज नहीं बर्न होती बताते हैं सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर मैकेनिकल हीट एनर्जी लाइट एनर्जी साउंड एनर्जी ये एक स्केलर क्वांटिटी है ध्यान देना और इसकी ऐसा यूनिट जूल है काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी है जो वो मोशन में होने की वजह से प्रोजेस कर रहा है के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एक स्केलर क्वांटिटी है काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की इट इज अ मेजर ऑफ द वर्क एन ऑब्जेक्ट कैन डू बाय इट्स वर्च्यूज छोड़ दो छोड़ो कोई फायदा नहीं है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम हैज बीन यूज्ड टू ग्राइंड कॉर्न सेलिंग शिप्स एम्प्लॉय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है इट्स द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन वो कहां है उस जिसकी वजह से एनर्जी है वो है वहां पर इट इज एम जी एच मास ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड हाइट बस फॉर्मूले याद रखो और पता होना चाहिए है क्या एग्जाम्पल्स वॉटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर ऑफ अ डैम पोजेसेज पोटेंशियल एनर्जी एप्पल और मैंगो हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री के पे पोटेंशियल एनर्जी होता है स्ट्रेच बो एंड एरो हैज पोटेंशियल एनर्जी वूंड स्प्रिंग ऑफ अ वैच वॉच हैज पोटेंशियल एनर्जी एंड स्ट्रेच बाउ स्ट्रिंग पोजेस पोटेंशियल एनर्जी बहुत चीजों में पोटेंशियल एनर्जी पावर पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड द एवरेज पावर ऑफ अ फोर्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क ये देखो पावर इज टू वर्क अपॉन टाइम छुट्टी पावर लाइक वर्क एंड एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है ऐसा यूनिट क्या है वॉट ठीक है एक और यूनिट होती है हॉर्स पावर कितना होता है पूछ लेगा 746 फोर्टी सिक्स वॉट होता है यूनिट याद रखना ठीक है अभी ऑटोमोबाइल्स मोटरबाइक्स की जो पावर डिस्क्राइब करने के लिए हॉर्स पावर ही तो यूज होती है फिर है आपका फोर्स मोमेंटम इंपल्स ये भी इंपॉर्टेंट है फोर्स क्या है फोर्स एक एक्सटर्नल फैक्टर है दैट कैन चेंज और अटेम्प्ट टू चेंज द इनिशियल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ये न्यूटन इसकी ऐसा यूनिट है सीजेच यूनिट होती है 1 न्यूटन कितना होता है 10 रेस्ट पर 5 डाइन इंपॉर्टेंट सेंटरपीटल फोर्स क्या है कोई बॉडी को अगर गोल घूमते रहना है सर्कुलर पाथ में तो इसका मतलब उसको सेंटर की तरफ फोर्स लगवानी पड़ेगी तभी तो वो अटैच रहेगा उससे अप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ पार्टिकल्स ऑफ मड आर थ्रोन अपवर्ड इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन साइकिल स्कूटर मूविंग फास्ट ऑन द तो इसी वजह से मड गार्ड्स लगाए जाते हैं प्लैनेट्स और बैटिंग अराउंड द सन टर्निंग अ कार गोइंग थ्रू अ लूप ऑन अ रोलर कोस्टर स्पिनिंग अ बॉल ऑन स्ट्रिंग और अ असो ये सा, इन सब में लगता है सेंटरपीटल फोर्स रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ राइड इन रोलर कोस्टर बैठे आप लोग रोलर कोस्टर में कभी यही बता दीजिए कमेंट करके सेंटर फ्यूगल फोर्स अभी एक था सेंट्रपीटल अब एक है सेंट्रिफ्यूगल जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसको अब मोशन मेंटेन करने के लिए फोर्स एक्सर्ट होती है सेंटर से भी बाहर की तरफ उस जो सेंटर से बाहर की तरफ एक्सर्ट हो रही है ना यही फर्क है सेंटर पीटल और सेंटर फ्यूगल में वो है सेंट्र फ्यूगल फोर्स एक ये सूडो फोर्स है यूनिट इसकी न्यूटन है एग्जाम्पल एक कोई बैठा हुआ है सर्कुलर स्विंग में तो उसको ऐसा लगता है वो बाहर की तरफ जा रहा है और इसी की वजह से लाइट और हैवी पार्टिकल सेपरेट होते हैं भाई मक्खन निकालना दूध में से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल है याद रखना आप ठीक है क्लॉथ ड्रायर क्रीम डिस्पेंसर ये जो आपकी वॉशिंग मशीन में है सेंट्रीफ्यूगल एब्जॉर्बेंट सेंट्रीफ्यूगल पंप ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं ठीक जी मोमेंटम मोमेंटम किसी बॉडी का कैसे डिफाइंड होता है इट इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी से डिनोट होता है और सेम फोर्स मोमेंटम फॉर डिफरेंट बॉडीज दिस इज क्रूशियल क्लू ड्यू टू टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडीज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू दाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच वो फोर्स लग रहा है कोई लाइट वेट व्हीकल है स्मॉल कार और कोई बड़ा व्हीकल है टक उनको आपने हॉरिजॉन्टल रूट पे पार्क कर दिया तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ना ट्रक पे चाहे वो सेम स्पीड पे थे मतलब उस स्पीड पे ले जाने के लिए सेम टाइम में और ग्रेटर अपोजिंग फोर्स लगानी पड़ेगी स्टॉप करने के लिए अगर वो सेम स्पीड पे मूव कर रहे हैं तो स्पीड तो सेम है लेकिन आपको फोर्स तो ज्यादा लगानी पड़ेगी ना आपने तो पत्थर एक हल्का एक भारी फेंके और एक पर्सन है ग्राउंड पे इट विल फाइंड इट इजियर टू कैच द लाइट स्टोन देन हैवी स्टोन है ना तो मास किसी बॉडी का इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो जो ये डिटरमिन करेगा कि फोर्स का इफेक्ट क्या होगा मोशन में ठीक है बढ़िया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दो या दो से ज्यादा बॉडीज हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम में दे आर एक्टिंग अपॉन ईच अदर तो उनका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा जब तक आपको एक्सटर्नल फोर्स उन उनपे नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब मोमेंटम ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इंपल्स क्या है एनी एक्सटर्नल फोर्स इज ऑपरेटिव ऑन एन ऑब्जेक्ट और अ अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट 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 होगा ये मिनट स्पैन ऑफ टाइम देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स एंड द टाइम इज कॉल्ड इंपल्स एंड द फोर्स इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स तो इंपल्स इज फोर्स इन टू टाइम एंड टेबल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के लिए कोई बॉल है उसने क्रेजी बॉल नहीं होती थी बचपन में छोटी छोटी दीवार पे मार मार के खेलते रहते थे मतलब तो कॉस्को की बॉल से भी खेल सकते हो बट क्रेजी बॉल का याद आ गया मुझे तो वो बाउंस बैक करता है क्योंकि फोर्स बॉल पे जो है बाय दी वॉल एक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम जब वो दोनों कांटेक्ट में आए लेकिन फिर भी देखो आप कॉन्टैक्ट में इतने कम टाइम पीरियड के लिए आए लेकिन फोर्स इतना है कि वो वापस रिवर्स कर पा रहा है डायरेक्शन बॉल की तो इन सिचुएशंस में द फोर्स एंड द टाइम ड्यूरेशन आर डिफिकल्ट टू असर्टन सेपरेटली हाउ एवर द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम विच इज अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रेमेंस अ मेजरेबल क्वांटिटी इसी को आप कहते हैं इम्पल्स ठीक है जी एक होता है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी ऑफ अ फॉलिंग बॉडी गिरती हुई बॉडी है कोई due to the gravitational force of Earth, उसको कहते हैं बहुत है है क्या मास अर्थ का आर क्या है अर्थ का रेडियस जी क्या है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी की वैल्यू अलग अलग होती है अलग अलग जगहों पर इस पर क्वेश्चन आता है सर्फिस पे क्या होती है अर्थ के सर्फिस पे नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैक्सिमम कहां पे है पोल्स पे मिनिमम कहां पे है इक्वेटर पे जीरो कहां पे है सेंटर ऑफ द अर्थ पे और डिग्रीज क्या है कैसे होती है एज वी मूव बिलो और अब ये ये वाले चार में से क्वेश्चन बन सकता है आपका द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी वेरीज ए डिफरेंट प्लेसेस हमने पढ़ लिया तो जी डज नॉट डिपेंड ऑन दी मास ऑफ दब्जेक्ट तो दो ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट आर फ्रीली एयर नहीं है ऊपर से तो दे विल प्रोड्यूस द सेम एक्सेलरेशन ठीक है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रविटीज होता है रोटेशन स्पीड ऑफ दर्थ इन सो दैल्यू ऑफ जीजे रोटेशनल स्पीड ऑफ दी अर्थ डिक्रीजेस क्लियर वैसा वर्सा हो गया ना दोनों तो ये बात रही आपके क्लियर आगे बढ़ेंगे अब चलिए हीट और थर्मोडाइनमिक्स हीट हीट क्या है हीट वो एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ जब दो मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है दो चीजों के बीच में दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर की वजह से जब ट्रांसफर हो रही है तो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्स हो रहे हैं फ्रॉम ऑफ द बॉडी हैविंग हायर टेम्परेचर टू द बॉडी हैविंग लोअर टेम्परेचर अ क्वांटिटेटिव आइडिया ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इज ऑबटेन्ड बाय नोटिंग दैट वन केजी जी ऑफ वॉटर रिलीजेस मच अस ऑफ एनर्जी फोर्टी टू थाउजेंड जब उसको आप 10 डिग्री पे ठंडा कर रहे हैं तो कैलरीज तो आजकल तो फैट वर्ड है कैलोरी है ना कैलोरी बर्न करो कैलोरीज कम खाओ ये करो करो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम फोर्टीन पॉइंट फाइव डिग्री टू फिफ्टीन पॉइंट फाइव डिग्री इज कॉल्ड वन कैलोरी उसी तरह से अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन के जी ऑफ वाटर फ्रॉम दिस टू दिस इज कॉल्ड वन किलो कैलोरी लो कैलरीज हाउ मच कैलोरीज ये आपको थोड़ा सा याद रखना स्पेसिफिक हीट कैपैसिटी क्या है दिस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन केजस्टेंस थ्रू वन डिग्री वाटर का द ओलस्ट यूनिट ऑफ हीट वॉज कैलरी ऑफकोर्स वन कैलरी वॉज अर्लियर डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हिट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम ऑफ वॉटर बाय वन डिग्री और प्रिसाइस हो जाओ तो पता लगा द स्पेसिफिक वॉटर द स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर वेरी स्लाइटली विद टेम्परेचर टेम्परेचर क्या है टेम्परेचर थर्मल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो एक्सप्रेस होता है कि किस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ हीट हो रहा है हमेशा हाइर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे हीट एनर्जी you know और हीट का मेजरमेंट है जीरो डिग्री ऑन सेल्सियस एंड रूम अलग अलग स्केल्स है उनके मेजरमेंट दिए हुए अभी आएगा कन्वर्जन आगे थर्मोमीटर है जिससे आप मेजर करते हैं टेम्परेचर एक होता है सेंटीग्रेड स्केल सेल्सियस स्केल जो कॉमनली यूज रिप्रेजेंट करता है 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कैलविन स्केल आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 273 और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 373 तो जीरो डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस पे और 273 सेवेंटी पे सेम हो जाएंगे हाँ बिल्कुल हो जाएंगे कन्वर्जन का रटलू के इज इक्वल्स टू सी प्लस टू दैट्स इट

स्केल में बस र्यूमर स्केल ध्यान रख लेना ये रहा सेल्सियस और फेरानाइट आपने ऊपर केल्विन देखा था अब आप फेराइट देख लीजिए और ये है सी अपॉन फाइव इज एक टू अपॉन एन प्लीज रट लीजिए इसको और ये देख लीजिए रिलेशनशिप पूछता नहीं है कभी ये दिया हुआ ये है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है थर्मोमेट्री क्या है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच टेम्परेचर को स्टडी करते है, हैं इज कॉल्ड थर्मोमेट्री थर्मोमीटर्स वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे टेम्परेचर मेजर होता है टेम्परेचर का इफेक्ट मैटर पे देखना है अब आपको बाई दी इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉलिड स्टेट कन्वर्ट इन टू लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट कन्वर्स टू गैस या स्टेट टेम्परेचर डिक्रीज करने पर गैस लिक्विड हो जाएगा और फिर जम के बर्फ बन जाएगा मतलब सॉलिड बन जाएगा तो मेल्टिंग क्या है अ प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट इन टू लिक्विड बाई हीटिंग और यह क्या होता है आइस का क्या है जीरो डिग्री इंटू वॉटर तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना है जीरो डिग्री अलग अलग सॉलिड्स का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा आइस का माइनस जीरो डिग्री है जैसे सॉरी आइस का जीरो डिग्री है और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स सिक्सटी थ्री आयरन का देखिए आप बहुत हीट करना पड़ेगा तब पिघलेगा तो मेल्टिंग पॉइंट किसी सॉलिड का ये शो करता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अंदर कितने स्ट्रॉन्ग हैं या कितने ढीले हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट है मतलब हाईली पैक्ड मॉलिक्यूल्स हैं क्लास सिक्स की एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए सॉलिड लिक्विड और गैस यहाँ पे पढ़ाया जाता है मॉलिक्यूल्स गैस में इधर उधर उड़ रहे हैं लिक्विड में थोड़े से कम टाइटली पैक्ड हैं और सॉलिड में एकदम टाइटली पैक्ड हैं सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड डायरेक्टली हवा हो जाना और कूलिंग पे वेपर चेंजेस डायरेक्टली इनटू सॉलिड जैसे आपका अमृत धारा सुना हो आपने अगर तो वो चार पांच सॉलिड चीजों को लेकर रखते हैं नहीं वो तो लिक्विड बन जाता है कपूर तो है ही एक्जाम्पल और एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड है आयोडीन है कैम्फर है नेपथोलीन बॉल्स नहीं होती घर में कपड़ों में रखते हैं तो गायब हो जाती हैं फिर कुछ टाइम बाद बॉयलिंग

Condensation process is the change of physical condition of a matter from gas to liquid, and it is the, the contrast phenomenon of vaporization. Freezing on cooling a liquid, the temperature at which it turns into a solid is called its freezing point. The freezing point of water is zero degree. The freezing point of the liquid and the melting point of solid is same. For example, water freezes at zero degree and ice melts at zero degree. That is both points are same. Evaporation. प्रोसेस इन विच लिक्विड टर्न इन टू वेपर्स बिलो इट्स पॉइलिंग पॉइंट इज टर्म्ड ये रूम टेम्परेचर पर भी हो सकता है अगर आपके गीले कपड़े हैं दे ड्राई ड्यू टू वैपोरेशन ऑफ वॉटर पॉन्ड वाटर सूख जाता है पानी सूख गया कैसे सूख गया उड़ गया ना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है इंक्रीज करता है रेट ऑफ एवेपोरे रेट ऑफोरेशन ऑफ एनी लिक्विड इज मैक्सिम एज एट इट्स पॉइलिंग पॉइंट इनकेस ऑफ लो ह्यूमिडिटी इन दर द वैपोरेशन रेट इज हाई एंड वॉटर इवेपोरेट वेरी सुन्ड while higher humidity in the air results into a low rate of evaporation cooling by evaporation a liquid a liquid filled in the pot when evaporates it receives latent heat of evaporation and the pot becomes cool a good example of cooling by, by evaporation is cooling of earthen pots एक कोई मिट्टी का बर्तन है आप जानते हैं उसमें छोटे छोटे से होल्स नहीं होते आप जब मिट्टी को गीला करते हो तो ऐसे सी 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 की आवाज़ सुनाई देती है ये वाटर डिफ्यूज आउट होता है इन पोर्स में से और इवेपोरेट होता रहता है तो जो रिक्वायर्ड हीट हो हीट होती है इवेपोरेशन के लिए ये पानी में से ले रहा है वो तो इसका मतलब अगर पानी में से हीट ले रहा है तो पानी का टेम्परेचर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है कम हो रहा है तो कम हो रहा है तो इसका मतलब जो बचा हुआ पानी है वो ठंडा हो जा रहा है स्वेटिंग प्रोसेस आपने देखा होगा तेज हो जाता है समर्स में कॉटन तो के कपड़े बेस्ट एब्जॉर्बेंट हैं एवेपोरेशन ऑफ स्वेट प्रोवाइड कूलिंग टू आर बॉडी ये जो सिंथेटिक पॉलिस्टर के क्लोथ्स होते हैं ये तो नहीं एब्जॉर्ब कर पाते तो इसी वजह से कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए समर में फैन जो है इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ स्वेट सो वी फूल फील द कूलिंग डेजर्ट रूम कूलर कूलिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वॉटर इट कूल मोर इन हॉट एंड ड्राई डेज बिकॉज इन हॉट डेज हायर टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवेपोरेशन ठीक है चलिए ऑप्टिक्स लाइट लाइट इज एन एक्सटर्नल कॉज ड्यू टू विच कोई भी ऑब्जेक्ट ह्यूमन आई के लिए विजिबल होता है है ना फॉर इल्यूमिनेशन और विजिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइट इंसिडेंट्स ऑन इट लाइट उस पर पड़ती है और फिर वो रिफ्लेक्ट होती है अपनी हमारी आंखों तक आती है और इसी वजह से हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखता है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके अंदर कुछ पोर्शन भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इनविजिबल होता है खुद से लेकिन विजिबिलिटी ऑफ मैटर में हेल्प करता है और हम लाइट को ट्रांसफॉर्म मीडियम में ही देख सकते हैं जब एक मीडियम मीडियम से दूसरे में में लाइट करती है है सब सबसे सबसे ज्यादा स्पीड कहां वैक्यूम ये रहा मीटर पर पहले किसने कैलकुलेट करी स्पीड लाइट की रोएमर ने सनलाइट अर्थ में कब पहुंचती है आठ मिनट बीस सेकंड में इंपॉर्टेंट फैक्ट है वेवलेंथ छोड़ सकते हो जरूर नहीं स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है अलग अलग मीडियम में देखो वैक्यूम वाटर ग्लास सब की रखी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेन लाइट रे इंसिडेंट्स ऑन अ स्मूथ एंड पॉलिश सर्फेस इट अंडरगोस मतलब कम्स बैक ऑलमोस्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन इसको कहते हैं इंसिडेंट्स ऑफ लाइट रे इसी को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन मतलब ए, ये है यहां आई यहां, यहां लाइट चेंज हुई और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हुई तो इसको आप कह रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट जानते हैं इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सब एक ही प्लेन पिलाई करती हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है इक्वल होंगे अलग होंगे इक्वल होंगे बिल्कुल अ स्मूथ वेल पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सर्फेस को कहते हैं मिरर प्लेन मिरर क्या होता है जो आप घरों में यूज होता है ना थिन फ्लैट स्मूथ शीट ऑफ ग्लास चेहरा देखो और प्लेन मिरर जो है जो इमेज बनती है उसको उसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते सिर्फ आ, उसमें देख सकते हो अपना प्रतिबिंब आप अपने शीशे में देख सकते हो बस तो ये एक वर्चुअल इमेज का एग्जांपल है तो ये इमेजिनरी और अनरियल इमेज भी इसको कहते हैं साइज ऑफ द इमेज जो होती है वो एग्जैक्ट इक्वल टू अपोजिट होता है बस डायरेक्शन अलग होता है ना हमारा लेफ्ट राइट right हो जाता है मिरर में लाइट राइट लेफ्ट हो जाता है लेटरल इन्वर्जन हो जाता है तो लेटरली इन्वर्टेड होती है आप जानते हैं एक होते हैं स्फेरिकल मिरर से कंस्ट्रक्टेड होते हैं कि एक साइड पे मिरर के मरकर या फिर इनवर्ट कर्व रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होता है उनका डेंटिस्ट यूज करते हैं है ना? वो बड़ा इमेज देखने के लिए और कॉन्केव मिररर को रिफ्लेक्टर के तौर पर भी यूज किया जाता है शेविंग में यूज किया जाता है टेलीफोन में यूज किया जाता है ठीक है टेलीस्कोप सॉरी नॉट टेलीफोन फिर आपके कॉन्वेक्स मिरर हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहा ना ये तो पढ़ा है क्लास में सबने पढ़ा होगा तो आउटवर्डली है वो मिरर है इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं ये रियर व्यू जो आपके गाड़ियों में लगा हुआ है मिरर स्कूटी गाड़ी बाइक जो भी है उसमें ये कॉन्वेक्स होता है इट्स इन सोडियम रिफ्लेक्टर लैम्प तो स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर इज द स्पीड ऑफ लाइट इन इट ये इंपॉर्टेंट है ये, ये होता है फॉर्मूला

तो ये आपकी ये वाली चीज होंगे इमेज लाइट रेस किसी मूविंग पॉइंट से किसी पॉइंट की तरफ जा रही हैं और रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे वो अपियर हो रही हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि मीट कर रही हैं वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट और जब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है तो उसकी शेप मिरर में शेप फॉर्म जो मिरर में है वो है रिफ्लेक्शन तो दो तरह की इमेज बनती है एक तो रियल इमेज बनती है एक वर्चुअल इमेज बनती है जब लाइट रेज

तो ये आप ध्यान रखना हमेशा जब लाइटर एंटर करती है लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी पे तो वो बेंड करती है टुवर्ड्स तो द नॉर्मल लाइन और उल्टे में दूर जाती है नॉर्मल लाइन से बस ये याद रख लेना चलिए एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रेक्टिव फिमिना एक इमर्स्ड रॉड है पानी में तो ऐसा नहीं लगता मुड़ गई है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से लगता है रिफ्रैक्शन की वजह से कॉइन विद इन अट विद वॉटर सीम्स अबव फ्रॉम इट ओरिजिनल पोजिशन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेंस लेंस होमोजीनियस मीडियम है जो सराउंड सराउंडेड बाय टू कर्व्ड सर्फेस और वन कर्व्ड एंड अनदर प्लेन सर्फेस कर्व्ड सर्फेस में भी स्फेकल सिलेंड्रिकल और इलेक्टिकल लेकिन ज्यादातर स्फेकल ही होते हैं आप जानते हैं दो तरह के लेंस पाए जाते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉन्केवरा ऐसे ऐसे और ये आपका कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस थिक है सेंटर में थिन है कॉर्नर पे इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं क्योंकि सारी लाइन जितनी भी आ रही है इसमें से रेस वो एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर लेता है, होता है और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है याद रखिएगा ये फार साइडेडनेस या हाइपर मेट्रोपिया जो थोड़ा सा एजड ग्रुप के लोगों में होता है ना आइड इफेक्ट उसको ठीक करने के काम आता है कॉन्केव लेंस थिन है सेंटर पे थिक है कॉर्नर पे उसका उल्टा हो जाएगा डायवर्जेंट लेंस है ये सिंपल ये माओपिया ठीक करता है जो बच्चों में होता है ना पास का दिखता है दूर को नहीं दिखता फ्लड लाइट्स में होता है कॉन्केव लेंस स्कैटरिंग ऑफ लाइट लाइट जो है सन की इन अ मिक्स्ड लाइट ऑफ सेवन कलर्स सात लाइट्स को इकट्ठा सात कलर्स को एक साथ मिला दोगे विबग्योर को तो व्हाइट लाइट बन जाएगी है ना वेबग्योर के वी आई बी जी वाई ओ आर वाइलेंट वाइलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड तो व्हाइट लाइट सन की जब प्रिज्म से पास होती है ये तो आपने करा भी होगा एक्सपेरिमेंट क्लास टेंथ में था ये सीबीएसई में है जो सीबीएसई से है इट इज डिवाइडेड इंटू एलिमेंटल प्रिज्म को कहते हैं कैरेक्टर डिफ्लेक्शन पाथ ऑफ ईच लाइट बीम इजन इट कम्स आउट ऑफ द प्रिज्म और उनको ऐसा लगता है बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं आपको है ना पर्पल कलर बॉटम पे दिखता है रेड कलर टॉप पे दिखता है तो पर्पल कलर का हाईस्ट डिफ्लेक्शन और रेड का सबसे कम है इसलिए रेड सिग्नल में यूज होता है क्योंकि डिफ्लेक्ट नहीं होता तो दूर से दिखता है समझ रहे हैं ये राह स्कैटरिंग इज द फोनोमिना बाई विच बीम ऑफ लाइट इज रीडायरेक्टेड रीडायरेक्ट हो रहा है ना ये बस लाइट ऑफ शॉर्टर वेव स्कैटर्ड मच मोर देन द लाइट ऑफ लॉन्गर वेव लेंथ कलर ऑफ स्काई जो है वो ब्लू लगता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये ही ले ही सबसे इंपॉर्टेंट एक्साम्पल है इसका ठीक है एक आपका क्रिटिकल एंगल होता है और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है देख सकते हो आप वैसे तो मुश्किल पूछेगा क्रिटिकल एंगल क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस बियॉन्ड विच रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू डेंसर मीडियम टू द सर्फेस लेस डेंस आर नो लॉन्गर रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्टेड बट टोटली रिफ्लेक्टेड वापस मुड़ जाएंगी क्ट नहीं होंगी और क्रिटिकल एंगल के लिए लाइट मस्ट पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेर मीडियम ठीक है कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे रीचिंग एंड इंटरफेयर विद लेस मीडियम व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड क्रिटिकल एंगल उसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिरेज नहीं बनता है वो इसी की वजह से बनता है और ऑप्टिकल फाइबर एंडोस्कोप में यही वाला प्रिंसिपल यूज होता है

डिस्पर्जन ऑफ लाइट व्हाइट लाइट सन की मिक्सचर है सेवन लाइट्स की सेवन डिफरेंट कलर्स की आप देख चुके हैं विबियोर है ना सेपरेशन जो है विजिबल लाइट का उसके अपने अपने जो ये सात कलर्स हैं इनमें इसी को कहते हैं हम डिस्पर्शन स्पेक्ट्रम में वायलेट कलर सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है और रेड कलर सबसे ऊपर पोजीशन पे है तो वायलेट लाइट लोअर मतलब वायलेट लाइट जो है वो सबसे ज्यादा डिस्पर्स है और रेड लाइट सबसे कम है स्पीड डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट की सेम है वैक्यूम में एंड इन द एयर बट डिफर्स इन अदर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनी मैटर डिफर्स ऑफ लाइट वाइलेट लाइट मैक्सिमम एंड स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम इन मिनिमम और रेड लाइट का मैक्सिम है ग्लास में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का मैक्सिमम हुआ ना फॉर वाइलेट लाइट और मिनिमम हुआ रेड लाइट के लिए और वायलेट लाइट डिविएट करती है मोस्ट रेड लाइट नहीं करती थोड़ा सा धीरे से पढ़ो उसको तो समझ आ जाएगा सारा वायलेट रे इज विद लोएस्ट वेव लेंथ एंड हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी प्लीज ध्यान देना वाइल रेड रे इज विद हाइएस्ट वेव लेंथ एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी यही क्वेश्चन आएंगे डॉपलर इफेक्ट क्या होता है रिलेटिव मोशन होता है जो एक वेव सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में फ्रीक्वेंसी वेव की ऐसा लगता है कि चेंज हो रही है टू दब्जर्वर तो ये जो अपरेंट चेंज है मतलब चेंज हो रही है ऐसा लग रहा है इसको कहते हैं डॉपलर शिफ्ट या डॉपलर इफेक्ट एज द सोर्स मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर द फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल डिक्रीज एंड देव लेंथ विंक्रीज ऑन दी अदर हैंड ऑफ द सोर्स इज कमिंग नियर दब्जर्वर दैन द फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल इंक्रीज एंड द वेव लेंथ वि डिक्रीज फॉर लाइट द अपेरेंट इनक्रीज इन वेव लेंथ ड्यू टू डॉपर इफेक्ट इज कॉल्ड रेड शिफ्ट एंड द अपरेंट डिक्रीज इन वेव लेंथ इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट

ओपेक इट से कवर्ड है जिसको हम स्केलरा कहते हैं कॉर्निया सामने का पार्ट होता है कॉन्केव होता है मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कॉर्निया पे ही होता है और जब ट्रांसप्लांट होता है ना कहते हैं ना आंख दान कर दी वो आंख में कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है आइरस बिहाइंड द कॉर्निया अ कलर ओपेक लोकेटेड को आयरस कहते हैं और आयरस रेगुलेट द साइज ऑफ प्यूपिल और जो बायोमेट्रिक आपका वो होता है ना उसमें आयरस होता है स्कैन नहीं रेटिना होता है उसमें स्कैन रेटिना प्यूपिल इन द मिडल ऑफ द आयरस दर इज अ शार्प होल विच इज कॉल्ड प्यूपिल से होता है ना जैसे कई बार ऐसा होता है तेज रोशनी में चलेगा तो आंखें हम ऐसे बंद कर लेते हैं तो वो रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट कोरोइड इज अ ब्लैक कलर्ड मेम्ब्रेन ऑन द इनर साइड ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द व्हाइट लेयर कॉल्ड कोरोइड आई लेंस कॉन्वेक्स आई लेंस इज मेड ऑफ मेनी लेयर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम आउटसाइड टू इन रेटिना है इनर मोस्ट पार्ट आई का और कोरोइड मतलब कोरोइड के पास ही होता है ये इट्स अ वेन मेड अप वेन मेड अप ऑफ एफरेंट नर्व जिसको कहते हैं रेटिना यहां पे बहुत सारे कोन्स और रॉड सेल्स होते हैं वो कलर के और लाइट के सेल्स होते हैं ये एक्यूस ह्यूमर एक क्लियर लिक्विड है जो कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है और विट्रेस ह्यूमर क्या है इट्स अ क्लियर जेलेटिनस मास फाउंड इन द रेर पार्ट ऑफ दी आईबॉल बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना देख लो कॉर्निया लेंस के बीच में ये लेंस रेटिना के बीच में यही आएगा क्वेश्चन आएगा तो अदरवाइज मुश्किल है

Speed of sound, pressure of sound has no effect on the speed of sound in a gas when the temperature is similar. Sound ka speed depends upon the nature of the medium through which it propagates. Sound speed varies in different mediums. Sound propagates very slowly in gas. Sound propagates faster than gas in a liquid. Sound speed is fastest in solids. Sound does not propagate in vacuum. Sound can travel about 15 times faster in steel than in air.

अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी होती हैं अल्ट्रासोनिक होती हैं जिनका ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट से फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये तो नहीं सुन सकता इंसान मतलब कुछ एनिमल्स हैं जो एमिट करते हैं अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज बहुत सी इंग्लिश मूवीज बनी है इन सब पे वैसे बैट्स वेव डॉल्फिन क्या है अल्ट्रासोनिक वेव्स के एक डॉग गॉल्टन विसल जिसको कहते हैं इज अ विसल दैट इमिट अल्ट्रासाउंड यूज फॉर ट्रेनिंग एंड कॉलिंग डॉग्स अल्ट्रासोनिक वेव्स आर वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मेडिसिन हार्ट का इमेज ओप्टेन हो सकता है बाय रिफ्लेक्टिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स अलग अलग एंगल्स पे इसको ही कहते हैं इको कार्डियोग्राफी और किडनी स्टोन्स को तोड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड कहते नहीं है तो और जिक्सैक्ट ट्यूब को क्लीन करने के लिए सोनार में यूज होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग तो एप्लीकेशन तो हमेशा इंपॉर्टेंट होते ही है ऐसे सवालों के आपको देख के जाने हैं साउंड इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ड्यू टू रेपिटेशन इज कॉल्ड रेजोनेंस साउंड इंटेंसिटी का मतलब पावर जो कैरी कर रही है साउंड वेव्स पर यूनिट एरिया साउंड वेव्स हैं तो ऊपर देख चुके हो आप ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी होगा है ना इको साउंड और साउंड कॉज बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सर्फेस बैक टू द लिस्टर इज कॉल्ड एन इको इम्पल्स जो है साउंड का वो जो है इट इज जीरो पॉइंट वन सेकेंड इन माइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवी द सोर्स ऑफ साउंड एंड इज लिस्टर इज सेवेंटी इट अकर्स आफ्टर सम टाइम शाउटिंग और क्लैपिंग लाउडली नियर रिफ्लेक्टिविंग और व्हील द सेम साउंड इज हर्ड अगेन एन अगेन है ना पहाड़ों में होता है दिस इज कल्ड जो हमें सुनाई देती है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस खाली कमरे में बहुत ही करती है साउंड है ना फर्नीचर वगैरह नहीं होता जब मैक नंबर ये है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द सराउंडिंग तो ये मैक नंबर में होता है एक्चुअली एक्सप्रेस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर सबसोनिक एयरक्राफ्ट क्या होता है जिसकी स्पीड लेस है देन द स्पीड ऑफ साउंड सुपरसोनिक जिसका मैक नंबर ये अमार्च नहीं है मैक है है टू एक्साम्पल मिसाइल्स और हाइपरसोनिक है जिसका पांच से ज्यादा है ब्रह्मोस वगैरह बॉडी मिसाइल्स हैं ना अग्नि टू अग्नि थ्री वो वाली यूनिट <laughs> क्या है डेसिबल डेसिबल इज द यूनिट ऑफ साउंड लेवल एंड दब्ल्यू एच ओ ने क्या दिया है कि फोर्टी फाइव डेसिबल्स ठीक है कानों के लिए ये आपका दोबारा आ गया है कोई नहीं देख लीजिए एक बार और रिवाइज हो जाएगा न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फिजन क्या होता है फिजन टूटना बंबार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डन ऑन एन एलिमेंट्स एटम लाइटर जो होते हैं अल्फा बीटा प्रोटॉन्स ये एमिट हो जाते हैं ड्यू टू आर्टिफिशियल डिस ऑफ एटम्स न्यूक्लियस कभी कभी न्यूट्रॉन्स जो है एब्सॉर्ब हो जाते हैं रिजल्टिंग इन नए आइसोटोप्स बन जाते हैं इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है इन फॉर्म ऑफ गामा फोटॉन्स न्यूक्लियर फिजन यही प्रोसेस है जिसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस न्यूक्लियस टूट रहा है आफ्टर एक्सेप्टिंग अ न्यूट्रॉन ब्रेक ऑफ ऑफ टू टू लाइटर साक्टिंग एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क करते हैं इस प्रिंसिपल पे ध्यान देना द मेन फैक्ट रिलेटिंग टू द न्यूक्लियर फिजन इज दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और इसी एनर्जी को आप कहते हैं नाभ ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ फिजन वन ग्राम यूरेनियम आइसोटोपिक एलिमेंट है ये फाइव इंटू टेन रिस्पार्ट ट्वेंटी थ्री एमईवी एनर्जी रिलीज ये वैसे पूछेगा नहीं आपसे कोई छोड़ो बस याद रखना कि बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है चर्नबल किसी ने देखा हो नेटफ्लिक्स पे है एक सीरीज बहुत बढ़िया सीरीज है वो जो सोवियत यूनियन में न्यूक्लियर रिएक्टर से में ब्लास्ट हो गया था लीक हो गया था बेसिकली वहां पे एक्सीडेंट हो गया था बहुत ही कमाल का उसके लास्ट एपिसोड में वर्किंग दिखाया अभी नहीं देखना आपको बैठ के बाद में देखना है ठीक है तो उसमें बहुत अच्छे बहुत ही लेमन टर्म्स में उसमें पूरा वर्किंग दिखाया गया है तो कभी वक्त मिले आपको तो तो प्लीज देखिएगा देखिएगा वो सीरीज आप एटम बॉम्ब कुछ भी नहीं तो लास्ट एपिसोड देखना उसका एटम बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब इज मोर सुटेबल नेम फॉर एटम बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब है एटम बॉम्ब इट्स अ डिवाइस इन विच अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज मेंटेन्ड इन द फिजाइल मैटर बाय फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स और इसी प्रोसेस के रिजल्ट से बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है दो सेगमेंट्स यूज होते हैं स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ फिसाइल मटीरियल मतलब इतना तो चाहिए ही कि एक सस्टेन्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन चल पड़े तो क्रिटिकल मास ऑफ अलियल डिपेंड ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज तो ये न्यूक्लियर एलिमेंट्स है तो इनमें यह होता है न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक फर्नेस एक प्लांट जिसमें सेल्फ सस्टेन्ड रेट उससे एनर्जी मिलती रहे वो है एक न्यूक्लियर रिएक्टर इसके मेन पार्ट्स क्या क्या हैं फ्यूल ये मेन पार्ट है भाई मैटर ही तो अंडर को जाएगा मैटर में ही तो फिशन रिएक्शन होगा तो इसमें ये सारे यूज होते हैं प्लूटोनियम और यूरेनियम मॉडरेटर क्या होता है ये रिड्यूस करता है फास्ट न्यूट्रॉन्स की स्पीड को तो इसमें हैवी वाटर यूज होता है ग्रेफाइट यूज होता है बेरिलियम ऑक्साइड यूज होते हैं हैवी वाटर होता है वैसे बेस्ट मॉडरेटर एक होता है कूलेंट अब एनर्जी इधर रिलीज हो रही है जिसकी वजह से प्लांट का टेम्परेचर बढ़ता जाता है उसको ठंडा भी रखना पड़ता है तो कुछ कूलेंट्स यूज होते हैं एयर वाटर कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल रॉड्स होती हैं ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती हैं तो जब इनको पुश करोगे आप रिएक्टर में तो फिजन रेट स्लो डाउन हो जाएगा जब इनको बाहर निकालोगे तो फिजन रेट बढ़ जाएगा तो इसमें कैडमियम और बोरॉन रॉड्स यूज होती हैं और हैवी वाटर जो है वो मॉडरेटर भी और कूलेंट दोनों तरीके से यूज हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ठीक है चलिए न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन मतलब जुड़ना जब दो या दो से ज्यादा लाइट न्यूक्लियस बहुत ही तेज स्पीड में म्यूचुअली फ्यूज हो जाए और एक बड़ा सा हैवी सा न्यूक्लियस बना लें तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन द मास ऑफ द न्यूक्लियस फॉर्मड आफ्टर फ्यूजन रिएक्शन इज लेस देन दैट द मास ऑफ द ओरिजिनल

फ्यूजन होता है बहुत हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे तो जो फ्यूजन अटोमिक बॉम्ब है इट हैज टू यूज्ड एज एन इग्नाइटर फ्यूजन बॉम्ब इस प्रोसेस को फ्यूजन के हाइड्रोजन बॉम्ब के इट्स अ वेल नोन प्रोसेस तो जो सोर्स ऑफ इमेंस एनर्जी है सन की वो भी इसी पे बेस्ड है फ्यूजन होता है वहां पे भी सन सन में भी यही चल रहा होता है सोलर एनर्जी मेजर सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज सन तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो है वो सन में हो रही है इस प्रोसेस में दो न्यूक्लिया ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एनर्जी जनरेटेड इज कॉल्ड सोलर एनर्जी भगवान सूर्य हमें सोलर एनर्जी दे रहे हैं सन कंटिन्यूसली एमिट कर रहा है एनर्जी और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी जनरेटेड टू द फ्यूजन ठीक है रेडियो एक्टिविटी क्या है कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली एमिट करते हैं इनविजिबल रेज ऐसे सब्सटेंसेस को आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हो और इस एक्टिविटी को आप रेडियो एक्टिविटी कहते हेनरी बेकरल ने इसको डिस्कवर किया था और तीन तरह की है अल्फा, बीटा, गामा रेस। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने यहां तक देख लिए हैं अब बचता है आपका वन लाइनर्स वो कंप्लीट कर लेते हैं हम चलिए तो अब सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देख लेते हैं कैपेसिटर्स का जो है

कितने कलर बैंड हैं चारीन ब्लू रेड एंड गोल्ड बायोट सेवास लॉ क्या है इट्स एन इक्वेशन दैट गिवस दैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस डू टू अ करंट कैरिंग सेगमेंट नेट मैग्नेटिक मोवमेंट डायमैग्नेटिक मटेरियल में कितना होता है जीरो साइक्लोट्रोन किसने इन्वेंट uh, किया था ई e. लॉरेंस और एम एस लिविंगस्टोन ने 1934 में मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है देर आर टू टाइप्स ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स समेरियन कोबाल्ट और न्यूडाइमियम रबर किस लिए यूज होते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू अलॉय और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं सिग्नल बैंडविथ ऑफ ओवर हंड्रेड गीगा हर्ट इज ऑफर्ड बाय ऑप्टिकल फाइबर दोनों याद रखना ये बातें ट्रांसफॉर्मर क्या प्रिंसिपल यूज करता है ऑफ स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ स्पीडोमीटर में स्मॉल मैग्नेट कनेक्टेड टू द मेन शाफ्ट ऑफ द व्हीकल लॉ It explains how electromagnetic circuits obey the conservation of energy and Newton's third law. UV rays are used to detect forged blank notes. The jo real banknotes notes wood fluorescent turn under UV light. Electromagnetic radiations can transmit energy in vacuum or using no medium at all. Infrared radiation is used for night vision. The power of the concave lens is negative. Image obtained from the projector on the screen is an example of real image. Medical instruments like endoscopes use the TIR, total internal reflection of light, through an optical fiber bundle to image internal organs. Dispersive power is maximum in flint glass. Multiple lenses are used in microscope and telescope. Echocardiography works on the basis of Doppler effect. Doppler effect is observed in all types of waves, longitudinal and transverse. Frequency of light remains unchanged during refraction. Particle nature of light can be used to explain photoelectric emission.

Loss of quality and strength of the signal while traveling through the channel or medium during electronic communication is known as attenuation. Remote sensing uses electromagnetic waves in its applications. Sonar is used to locate hidden objects, submarines, and icebergs. Full form kya hai sound navigation and ranging. थर्मोरेसिस्टर क्या है इट्स अ डिवाइस विच एक्ट्स लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर दिस डिवाइस चेंजेस इट्स रेजिस्टेंस विद चेंज इन टेम्परेचर क्रेस्कोग्राफ विच मेजर्स ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ये जगदीश चंद्र बोस ने इन्वेंट किया था गीगर म्यूलर क्या है इट्स अ काउंटर इन अ टाइप ऑफ पार्टिकल एक्सल डिटेक्टर दैटर मेजर्स आयोनाइजिंग रेडिएशन कंप्यूटर में बाइट यूनिट ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन रेक्टर क्या है अर्थ को मेजर करने की का स्केल है बेसिकली बार ये होता है इक्वल टू हंड्रेड केजी टेन पर फाइव पास कल क्यूसेक क्यूसेक क्यूबिक फीट पर सेकेंड इज अट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ वाटर फ्लो थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन डॉपसन और कितना होता है ये ओजन लेयर ऑफ टेन माइक्रोमीटर्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एन आइडियल रिजिड बॉडी इज अ बॉडी हुज पार्टिकल्स डू नॉट चेंज द डिस्टेंस बिटवीन दम इवन वन अप्लाइड नो पर्सन कैन मूव ऑन फ्रिक्शन लेस सर्फिस क्योंकि फ्रिक्शन तो बहुत जरूरी है हमने देखा यह भी टू ब्लो द विसल पर्सन वि रिलीज एयर इन वन डायरेक्शन एजल्ट ऑफ विच ही स्टार्ट मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू ड्राइव अ लोडेड्हीकल ज्यादा फोर्स लगती है बिकॉज द फ्रिक्शन गेट्स रिड्यूस्ड एज द वहीकल गेन्स स्पीड इफ एनी ऑब्जेक्ट है सेम काइनेटिक एनर्जी और सेम रिस्ट्रेनिंग फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो स्टॉप करेगा सेम डिस्टेंस पे

एम्पियर क्या है इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट नॉट क्या है स्पीड ऑफ शिफ्ट का मेजरमेंट डिस्टेंस यूज नेविगेशन को नॉटिकल माइल्स कहते हैं और अमाउंट ऑफ हीट कैलोरीज में एक्सप्रेस होती है सिंक्रोनस जियो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सैटेलाइट मूव इन इक्वेटोरियल प्लेन सर्कुलर ऑर्बिट में एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट फोर पॉइंट टू 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 टे फोर किलोमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ दी अर्थ इफ दी ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ दी अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी नियर द सर्फिस ऑफ दर्थ सडनली डिसअपियर्स तो वेट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा लेकिन मास सेम रहेगा एक्सेलरेशन मिनिमम इक्वेटर पे अर्थ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है किसने कहा था एरिस्टोटल ने ड्यू टू देशन अर्थ रेन फॉल दस्ट्रोनॉट जो है वो सीधे नहीं खड़े हो पाते ग्रेविटी में क्योंकि ग्रेविटी नहीं है सॉरी स्पेस में नहीं खड़े हो पाते इन लॉन्ग स्पेस मिशन अंडर लो ग्रेविटी इनको ऐसा लगता है कि मसल वेस्ट हो रही है बोन डेंसिटी खत्म हो रही है तो उसकी वजह से इनको वीकनेस ऑफ बोन फील होता है अंडर आइटियल कंडीशन the weight of an object does not change when it is dropped from the top because its mass and acceleration due to gravity remains same for a body falling from freely with the force of gravity equation hai ye. एस इज इक्वल्स टू वन हाफ जी टी स्क्वायर जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी है टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्ट करती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे एक तो सेंट्रल फोर्स है ही एक है टर्बुलेंट फोर्स और सेंटरपीटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्सेज फरिकल अर्थ की जिसकी वजह से सैटेलाइट रिसीव करते हैं जिससे वो चिपके रहते हैं वहां पर मतलब फॉल नहीं करते हैं आर्टिफिशियल सेटेलाइट कैन भी एक्यूरेटली ट्रैक फ्रॉम दी अर्थ बाय ड्रॉप डॉपलर ट्रैकिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी वीकेस्ट है सारी फंडामेंटल फोर्सेज में से स्ट्रॉगेस्ट कौन सी है न्यूक्लियर ब्रह्मगुप्त वॉज अ पोस्ट गुप्ता मैथमेटिशियन एस्ट्रॉनमर उसने ब्रह्म उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत दिया था एंड ही वॉज अ फर्स्ट टू से अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल थिंग्स टूवर्ड्स इट सेफ ग्रेविटी इज अ टेंडेंसी ऑफ मैटर टू बी अट्रैक्टेड टू इच अदर सर आयसेक न्यूटन ने यह दिया था थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन आप जानते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रिंसिपल स्टडिंग द मोशन ऑफ बॉडी अंडर द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएस ऑफ अनदर बॉडी दीज टू क्वांटिटीज आर कंजर्व एंगुलर मोमेंटम और टोटल मकैनिकल एनर्जी लीनियर मोमेंटम नो इट इज नॉट कंजर्व एस्ट्रॉनोट जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको वेटलेसनेस फील होता है स्पेस में क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रविटी लेस है इन दैट लोकेशन रीजन फॉर दिस इज बोथ द एस्ट्रोनॉट एंड सैटेलाइट फॉल फ्रीली इसलिए नहीं है इसलिए है वेंचुरियोमीटर क्या है फ्लो मेजरिंग फ्लो वेलोसिटीज़ इन एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड द रिस्टोरिंग फोर्स इज द स्ट्रेस ऑन यूनिटेरिया एंड द फ्रैक्शनल डिफरेंस इन द डायशन इन द्रेन देर आर जनरली थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस टेन्साइल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस शियर स्ट्रेस और हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस के दूसरे नाम देख लॉर लो डिफॉर्मेशन इन मोट मटीरियल द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द्रेन This is called Hooke's law. The constant of proportionality is called coefficient of elasticity, or are Young's shear coefficient or volume coefficient. The elasticity behavior uh, described A class of solids called elastics do not obey Hooke's law. When a body is under tension or compression, Hooke's law is of the form. When two forces are applied parallel to the upper and lower faces, the solid body is deformed in such a way that the upper face is displaced to the side with respect to the lower face. एन आयरन बॉल फ्लोट्स ऑन मरकरी बट सिंग्स इन वाटर क्योंकि आयर से लेकिन पानी की कम है आयरन सेट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दट फ्लोज बिटवीन बॉडी आप ये जानते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस क्या होता है क्वानिटेटिवली रिप्रेट बाय टेपरेचर द लिक्विड रिमेन्स हट और गोल्ड फर अंग टाइम है थर्मस फ्लास्क क्योंकि लॉस ऑफ हिट नहीं होता बाय कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन कम्प्रेस्ड एयर क्या है बैड कंडक्टर है हीट का

वॉर्म एयर इज लाइटर दैन कोल्ड एयर थर्मल रेडिएशन को आप इंफ्रा रेडिएशन भी कहते हैं डूरिंग द डे द एयर गेट्स हीटेड डूर द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन द एयर इज मेनली हिटेड थ्रू कन्वेक्शन वैल द एटमोस्फेर इज हीटेड बाय रेडिएशन थर्मल रेडिएशन आर सिमिलर टू एल्फा रेडिएशन द रीजन फॉर द फ्लो ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इज कन्वेक्शन ग्लास ऑफ स्टील यूज इन थर्मोस इज कप्ड वॉर्म बाय अप्लाइंग सिल्वर प्लेटिंग एडिंग एन इम्प्योरिटी लाइक सॉल्ट टू वॉर इनक्रीजेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑन दी अदर हैंड द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इज जनरली लोअर द मेल्टिंग पॉइंट

सिस्टम विद इट्स हेल्प द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम कैन बी कैप्ट एट द डिजायर्ड लेवल मॉडर्न फ्रॉस्ट फ्री फ्रिजेस जिसमें पानी नहीं निकलता ना जिसमें से वेयर बाय प्रोसेस बाय विच एक्सेस मॉइस्चर जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है है ना आइस बन के फिर मेल्ट हो जाता है और फिर से बाहर निकल जाता है लिक्विड फॉर्म में दिस इज द रीजन बाय सील्ड बिस्किट्स बिकम क्रंची वेन कैप्टन फ्रिज

ग्लास रॉड इज कैप्टन टीम अलॉन्ग विद्स विथ डायमी बढ़ जाता है देर आर इन्यूमरेबल माइक्रोस्कोपिक होल्स इन दर्ज ऑफ अनाट देख चुके हैं द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्थी ह्यूमन बींगो दिस ड्यू टू द लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल वेरी लो इन कोल्ड प्लेस ड्यू टू विच इट रिमेज इन द लिक्विड स्टेट आप जानते हैं इवन वन द टेम्परेचर इज वेरी लो बिलो जीरो इसीलिए एल्कोहल थर्मोमीटर प्रूव टू बी बेटर देन मर्करी फॉर कोल्ड कंट्रीज जमेगा नहीं ना एल्कोहल द मे यूज ऑफ स्वेट इन ह्यूमन इज टू रेगुलेट द बॉडीज टेम्परेचर थर्मोरेगुलेशन The sweating rate in an adult can be as high as two to four liters per hour or ten to four forty liters per day. Cooling कैसे होता है जब हम पसीना निकलता है स्किन से? The rate of heat loss of an object is called rate of cooling. In summers when the weather is humid, humid summer is experienced. बहुत कहते हैं ना हम घोट हो रहा है हालत हो है ना? तो humidity बहुत ज़्यादा जिस दिन होती है उस दिन हम ऐसा कहते हैं। The dry condition gives a sense of low humidity the velocity of sound in air increases with the increase in humidity because the density of air decreases with the increase in humidity at higher altitudes atmospheric pressure is lower so water begins to boil at a temperature below 100 degree adding salt to water increases the boiling point of water due to which the food gets cooked quickly although wool fibers are made up of special type of protein heat conduction occurs due to air in between these fibers

गर्म नहीं लगेगा आपको एबनाइ इज अ अस्ट्रॉग सब्सटेंस देर आर थ्री ट्रांसफर कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन फॉर एन फरनाइडल कंडक्टर थर्मल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए जीरो द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हायर देन द डेंसिटी ऑफ रिवर वॉटर दर फोर वेन शिप एंटर्स द सी जर तो जो स्मॉल बबल है वो बड़ा हो जाएगा जब कॉन्टैक्ट में आएगा एक दूसरे से वेल द लार्जर बबल विल बिकम लार्जर हाइड्रोलिक ब्रेक्स हाइड्रोलिक प्रेसेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है किसपे बेस्ड है दे आर बेस्ड ऑन पासकॉ अकॉर्डिंग टू पासकल लॉ इफ द ग्रविटेशन इफेक्ट इज कंसिडर्ड नेग्लिजेबल दें द प्रेशर रिमेन्स द सेम जहां भी है वो दैन द एयर बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक एंड स्टार्ट कमिंग ऊपर की तरफ द प्रेशर स्टार्ट डिक्रीजिंग अपवर्ड एज कम्पेयर टू द बॉटम जिसकी वजह से जो वॉल्यूम ऑफ एयर है बबल का वो बढ़ जाता है वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूज आर ऑबटेन बाय कंटिन्यूस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम इज दिस कॉल्ड फिनिशिंग

कमेंट करो जरा टेक्नीशियम इज अ केमिकल एलिमेंट अ टॉमिक नंबर इज 43 तो पहला आर्टिफिशियली है ये प्रोड्यूस्ड एंड इट वाज प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1937 सेपरेशन ऑफ क्रीम फॉर मिल्क मैंने आपको बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विंटर्स में व्हेन द अपर लेयर ऑफ द लेक लेकूल टू जीरो डिग्री इट बिकम्स आइस लेकिन वॉटर जो है बिलो नीचे का रिमेन इन द लिक्विड स्टेट एट फोर डिग्री तो दस अलाउस दॉटर टू रिमेन एट फोर डिग्री बिलो द आइस इन लेक और पॉइंट जिससे जीव जंतु जिंदा रह सके है। तो हुक्स इज़ वैलिड ओनली इन लीनियर पार्ट ऑफ द स्ट्रेस ट्रेन कर्व। यंग्स इलास्टिसिटी कोफिशियंट एंड शेयर कोफिशियंट आर रेलिवेंट ओनली फॉर सॉलिड्स, सॉलिड्स में प्रॉपर लेंथ और शेप होता है द वॉल्यूम इलास्टिसिटी कोज रेलिवेंट फॉर ऑल सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेज इट इज कंसर्न विद चेंज इन वॉल्यूम वेन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अंडर द सेम स्ट्रेस सो दैट द शेप ऑफ द बॉडी रिमेन्स द सेम द वैल्यू ऑफ यंगस कोफिशियंट फॉर मेटल्स इज हायर देन अलॉयज इन इलास्टिक्स Daily life, we have this belief that substances which are more ductile, they are more elastic, but this is false. Materials which are less ductile for a given load, they are more elastic. Elastic stress is not a vector quantity because, like force, stress cannot be determined from any particular direction. The force acting on a part of a body during towards a certain point has a definite direction. The fundamental property of liquids is that they flow liquids have no resistance to change in their shape hence the shape of the vessel determines the shape of the liquid liquid is incompressible and has its own free surface the gas is compressible and it expands and fills the entire available volume or space due to refraction in the earth's atmosphere stars appear to twinkle twinkle little star the image formed on the screen of the cinema is always real corneal transplantation in humans is never rejected by the body because the cornea lacks the blood vessels an object placed in normal light appears to be of the same color as of the light which is sent to the RI or by reflection or refraction we can see ourselves in the mirror because light is reflected fiber optics communication is a system in which information is sent from one place to another through optical fibers concave mirror is immersed in water focal length barjaga image of a point can always be obtained on a plane mirror image real hoga to inverted hoga and if the image is virtual it will be upright

द वेव लेंथ ऑफ लाइट इज वेरी शॉर्ट एंड इसे वेरी स्मॉल विच आर आईज के नॉट सी तो लाइट ऐसा लगता है जैसे स्ट्रेट uh, लाइन में मूव कर रही है ऑप्टिकल फाइबर्स आर वेरी थि सिलेंड्रिकल हलोट्यूब मेड ऑफ ग्लास और सिलिकॉर प्लास्टिक विच वर्क ऑन द प्रिपल ऑफ टी आई आर कोई लॉस ऑफ लाइट नहीं होता उसमें लाइट एनर्जी मेन रीजन फॉर शाइनिंग ऑफ डायमंड इज इट्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिविटी एंड वेरी हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो क्रिटिकल एंगल कम होता है तो so लाइट उस पर फॉल करती है और वो रिपीटेड टी आई आर में चली जाती है और बहुत ही झल मिलाती है Pure diamond transmits visible light and appears as a clear, colorless crystal. The color in a polished diamond is visible due to the presence of impurities. Holography is a technique in which three-dimensional image of an object is created by photography done by laser rays. Holography can work with sound, light, or any wave. Holography is often used for storing records and in microfish. Real three-dimensional movies have also been produced using this.

लाइट हैज बेसिक थ्री प्राइमरी कलर्स रेड ग्रीन ब्लू और इन्हीं को मिक्स करके आप बहुत सारे कलर्स ऑप्टन कर सकते हो रेटिना जो है इट्स अ फिल्म ऑफ अ कन्वेंशनल कैमरा तो इसी पे लाइट बनती है एक्सपोजर ऑफ कैमरा डिपेंड्स ऑन द एरिया एंड द टाइम ऑफ द अपरचर तो डी स्क्टू टी होता है एक्सपोजर विल बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दिस ड्यू टू द रिलेक्सेशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द सिलियरी मसल द थिकनेस ऑफ द लेंस ऑफ द आई चेंजेस एंड एज रिजल्ट आई चेंजेस Head mirrors are used by doctors to examine the ears, nose, and throat. It's a concave mirror with a small aperture. When the direction of the incident light ray on the mirror does not change, then the angle of the rotation of the reflected ray is twice the angle of rotation of the mirror. White color is a complete reflector of light which absorbs very little amount of heat. Compact discs used in audio and video systems have a protective coating on the surface, which acts like a thin film and is responsible for the phenomena of reflection and diffraction. This is the reason for seeing the rainbow color uh, when the CD is viewed in sunlight. Frequency modulation technique is used to transmit audio signals. The signals transmitted by this technology are free from any kind of noise and distortion. Raster scans are used in CRT cathode ray tubes monitors, in which an electronic beam is projected by an electron gun. According to the Raman effect, when a single wavelength light बीम पासिस थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम तथा सॉलिड लिक्विड और गैस टू स्टडीट स्कैटर्ड रेज इट इज अ वेरी लो इंटेंसिटी एट अंस्टेंट डिस्टेंस अपार्ट फ्रम द रिजलन लाइट रेस इसी को कहते हैं रमन रेज द ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू ग्रीन लाइट द ह्यूमन इयर इज मोस्ट सेंसिटिव टू टेन थाउजेंड हर्ड्स हियरिंग इन firmness of human vision is 1/16th of a second laser beam is more Monochromatic. Long radio waves are reflected from the Earth's ionosphere. This layer is situated between the altitude of 80 to 400 kilometers. The air here is electrically charged. Some medium is required for the propagation of sound waves. Sound waves cannot travel in vacuum or in outer space. This is the reason that there is no propagation of sound waves on the moon, and two people cannot he uh, hear each other's words there. Crystallography germology experimental science here that studies the configuration of atoms in crystals.

When sound is produced in a closed hall, as a result of gradual reflection from the walls and ceiling of the hall, the sound remains for some time even when the source is turned off. This is called reverberation. Some medium is required for the transmission of sound. Due to the absence of medium and vacuum, sound waves cannot propagate. The various radiations included in the electromagnetic spectrum is this important. Waves, for microwave, Matlab, waves for microwaves, the waves, then microwaves. This is important. तो रेडियो वेव्स का लॉन्गेस्ट है वेवलेंथ गामा का सबसे कम है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन ऑडियो सिंक्रोनाइजर बोथ ऑडियो एंड वीडियो स्टार्ट साइमल्टेनियसली व्हेन साइल्टेनियसली स्विच ऑन ड्यू टू द स्पीड ऑफ साउंड मूविंग एट अ लोअर स्पीड देन लाइट द साउंड शुड बी हर्ड लेटर बट दिस एरर इज करेक्टेड बाय इंस्टॉलिंग एन ऑडियो सिंक्रोनाइजर इन द टेलीविजन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज यूज फॉर साउंड ट्रांसमिशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मोस्ट ऑफ द टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट्स यूजेस इंफ्रारेड रेडिएशन बट सम यूजेस रेडियो वेव्स इंफ्रारेड क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है मैकेनिकल वेव्स कैन एग्जिस्ट इन मैटर एंड आर गवर्न बाय न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ट्रांसवर्स वेव्स पार्टिकल जो मीडियम का है वो ऑसिलेट करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर दोज वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोशन अ प्रोग्रेसिव वेव इज अव दट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द मीडियम टू अनदर Wave is not the motion of all matter in a medium. Wind is different from sound wave in air. Wind includes the movement of air from one place to another. Sound waves involves compression and refraction of layers of air. In wave, energy is transferred from one place to another. It's not possible in matter. Transverse waves they can be propagated only in those mediums which have coefficient of shear elasticity. Like solids. So, all mediums are possible solid, liquid or gas. Electric motors often burn out when operating at low voltages because they draw more current. जो कि उल्टा है मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू वोल्टेज अ लाइटनिंग कंडक्टर इज अ मेटल कॉपर कंडक्टर यूज्ड टू प्रोटेक्ट टॉल बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग तो टॉप एंड पे एक शार्प इसको फिक्स कर देते हैं निकल कैडमियम बैटरी इज अ टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी इन विच निकल हाइड्रोक्साइड एंड कैडमियम आर यूज एज इलेक्ट्रोड वेल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन इज इलेक्ट्रोलिक इट इज यूज इन कैलकुलेटर्स कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ट्रांजिस्टर्स अ मेटल कॉल्ड टंगस्टन इज यूज टू प्रोड्यूस लाइट इन इलेक्ट्रिक बल्ब मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है सिंपल इलेक्ट्रिक बल्ब का रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ है क्योंकि फिलामेंट कॉल यूनिफॉर्म नहीं है बल्ब पूरी तरह से बंद नहीं होता सपोर्टिंग वायर ऑफ द फिलामेंट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द पावर ग्रिड कितना चाहिए पावर ऑपरेशन में मतलब कितना फिक्स किया हुआ है ट्रांसमिशन और अगर मतलब डिक्रीज और इंक्रीज हो सकता है 0.5 तक इससे ज्यादा या कम हो गया तो ग्रिड फेल हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी बिल इज बेस्ड ऑन किलो वॉटर आप जानते हैं डायनामो क्या है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल रेक्टिफायर क्या है ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में और डीसी करंट इज यूज टू चार्ज द बैटरी फॉर दिस रेक्टिफायर इन द चार्जर यूज इट कन्वर्ट्स ए सी इन टू डी सी परमेबिलिटी जो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म के कंटेक्स्ट में क्या है प्रॉपर्टी ऑफ अ अटीरियल दैट डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ कपैसिटी दैट मटीरियल एक्जीबिस्ट इन स्टैब्लिशिंग अ मैग्नेटिक फील्ड इन दैट एरिया म्यू से रिप्रेजेंट होता है और परफेक्ट सुपर कंडक्टर की कितनी होती है जीरो मैक्सिमम टेम्परेचर अटेनेबल बाय सुपर कंडक्टर एटमोस्फेरिक प्रेशर पे है 133 थर्टी थ्री कैपिनियन और हाइएस्ट टेम्परेचर सिरामिक मटीरियल कंसिस्टिंग ऑफ मर्करी बेरियम कैल्शियम कॉपर और ऑक्सीजन सिरामिक ऑक्साइड प्रूफ बी वेरी यूजफुलिसपरडक्टिविटी एक्सपेरमेंट्स ऑन सुपरडक्टिविटी आर बींग डन ओनली ऑन मॉल्टन मेटल्स एंड हैव बीन सक्सेसफुल इन दिस सुपर कंडक्टिंग क्लेस कंटेन थेलियम बेरियम कैल्शियम एंड कॉपर ऑक्साइड द जर्मेनियम एलिमेंट इस एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम झमा बर्न कोल जो ट्रांजिस्टर बनने के काम में आता है लाइटलिंग प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू विच दर इज असिबिलिटी जीरो टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ सेम कंडिकम जीरो बिहेव लाइक एन आइडियल डायइलेक्ट्रिक तो इस टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सेमी कंडक्टर्स का इनफाइनाइट हो जाता है लेट इज दी एंड प्रोडक्ट ऑफ रेडियक्टिव डिस इंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है अलाहाबाद में पोखरान टेस्ट जैसलमेर में इलेक्ट्रिसिटी थ्रू थॉइंग प्रोसेस साइक्लोट्रोन इज एन एक्सलरेटर डिवाइस बाय विच हाई विरोसिटी प्रोड्यूसिंग प्रोटोन अल्फा पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉस द प्रेजेंस ऑफ गा एमटिंग आइसोटोप्स एंड ड्रिंकिंग वॉटर इज डिटेक्टेड बाय ऑसलेन कैलकुलेटर सोलर सेल्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी डायरेक्टली इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिलीकोन यूज होता है ने.

और पॉजिटिवली चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल कॉल पॉजिट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड इन थर्टी टू बाई सी डी एंडरसन इज रियक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर दट प्रोड्यूस मोर फिसाइल मटीरियल जितना वो कंज्यूम करता है प्रोड्यूस करता है अटोमिक कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्टेड पहला अंडरग्राउंड टेस्ट एट पोखर नाइनटीन सेवेंटी फोर में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से ठीक है अमेरिकन साइंटिस्ट एडवर्ड टेलर बॉर्न इन हंगरी इन द ईयर 1908 इज कॉल्ड द फादर ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब दैट इज नवंबर 1952 में पहला हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट हुआ था यूएस ने टेस्ट किया था मार्शल आइलैंड में अकॉर्डिंग टू द रिकॉग्निशन ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफेशन ट्रीटी पांच न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स कौन से हैं चाइना फ्रांस रशिया यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया भी है इसमें अब हाइड्रोकार्बन 2025 डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हाइड्रोकार्बन्स नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी का है दिल्ली में करंटली द वर्ल्ड टॉलेस्ट एस्ट्रोनोमिकल ऑब्जर्वेटरी इज द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो एटकामा ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ सेरोजनेटो और वल कैनो इन एटकामा डेजर्ट नेमिकल लेबोरेटरी नाइनटीन फिफ्टी पुणे में है और सी एस आई आर के अंदर आता है ये टी आई एफ टी आई एफ आर नाइनटीन फोर्टी फाइव में बॉम्बे में है चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप नाइनटीन नाइनटी नाइन में था फ्रॉम स्पेसक्राफ्ट कोलंबिया ये इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर उनके नाम पर नाम रखा था इसका 1961 में सोवियत यूनियन ऑन द क्रेडिट फॉर सेंडिंग ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ ड्राई सेल टॉर्चेस में यूज होता है जिंक का होता है कैथोड कार्बन का होता है क्वांटम मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन एंड इंटर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑटोमेटिक रिस्ट वॉचेस डो नॉट रिक्वायर बैटरी फॉर एनर्जी टू ऑपरेट ये जो हाथ से एनर्जी मिलता है उससे चलती है अगर इनको नहीं पहनोगे दो तीन दिन तो ये बंद हो जाएंगे इन द केस ऑफ माइक्रो ग्रेविटी और अ कैंडल फ्लेम नोरियो फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन रिसर्च पेपरटीन सेवेंटी हाई डेंसिटी के होते हैं वेरी स्मॉल हियरिंग एड इट्स सो स्मॉल दैट इट नॉट इज विजिबल ऑल्सो पार्टिकल्स बिटवीन वन नैनोमीटर टू Uh, 100 नैनोमीटर को क्या बोलते हैं नैनो पार्टिकल्स ब्लैक होल इज अ वेरी डेंस बॉडी व्राविटेशनल फील्ड सो स्ट्रॉट इट ऑलिएशन पासिंग थ्रू इट फुलर मशीन आइसो हेलाइन कहल सैलिनटी वाले पॉइंट्स आइसो बार क्या होता है इक्वल एयर प्रेशर वाले पॉइंट्स आइसो क्या होता है इक्वल हाइट वाले पॉइंट आइसो क्या होता है इक्वल डेप्थ वाले पॉइंट्स पिकनोक्लाइन डेंसिटी ग्रेडियंट बताता हैलोक्लाइन सैलिनिटी ग्रेडेंट बताता है और थर्मोक्लाइन रैपिड टेम्परेचर चेंज बता है रेडिएटर कूल इंजन ऑफ मोटर व्हीकल्स पॉलीग्राफ देख चुके हैं आप द यूज ऑफ बॉल बेरिंग्स देख चुके हैं हाँ आप 1945 में फैटमैन नाम का अटोमिक बॉम्ब गिराया गया था नागासाकी पे और यूरेनियम एक्सप्लोजिव यूज हुआ था लिटिल बॉय जो हिरोशिमा पे गिराया गया था वाटर जेट सिस्टम में स्ट्रीम ऑफ वाटर इज रिलीज एट हाई स्पीड

एम आर आई में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन कैन बब्टेंड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी और योगिक साइंस कहां पे है बैंगलोर में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है अहमदाबाद में इसरो का सैटेलाइट सेंटर कहाँ है बैंग्लोर में विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर कहाँ है तिरुवनंतपुरम में और SHIR, SHAR सेंटर कहाँ है श्रीहरिकोटा में पैरा मैग्नेटिक सब्सेंसेज कौन से होते हैं जिसमें जब जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाएंगे तो वो पार्शली मैग्नेटाइज होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड आर अट्रैक्टेड ओनली वेन बॉट नियर अ सुपर मैग्नेट ऑक्सीजन ये सब एक्साम्पल है साइबरनेटिक्स क्या है मोस्ट एडवांस्ड ब्रांचेस ऑफ साइंस अंडर दिस कंट्रोल ऑफ द प्रोसेसिस टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट सिस्टम स्टडी पहले बार कंसेप्चुलाइज हुआ था रॉबर्ट वीनर ने किया था साइंस ऑफ कंट्रोल कहते हैं इसको गेलियो First defined motion. If the rotation, if the speed of rotation of Earth is increased, then the weight of the body will decrease at equator. Albert Einstein introduced the theory of relativity. Relativity is a theorem formulated by Albert Einstein, which states that space and time are relative, and that all motion must be relative to frame of reference. दो थ्योरीज थी इसमें एक तो स्पेशल थ्योरी थी और एक जनरल थ्योरी थी कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग लेंस ग्लास में यूज होता है पैरामैग्नेटिक प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटम इज डिमोस्ट्रेटेड बाई प्लेटिनम स्टीम बर्न्स आर मोर सीरियस देन बर्न्स फ्रॉम बॉयलिंग वाटर, इवन दो बोथ आर एट थाउजेंड डिग्री बिकॉज वेन स्टीम कंडेंट गिव अपरी हाई एनर्जी ठीक है Or the rays of light are scattered by the fog droplets, due to which it becomes difficult to see through fog. Edwin Hubble gave the first evidence of Big Bang Theory. To keep the outside heat away, windows of double pane glasses with air in between is the best choice because air is the bad conductor of heat. Transformer is based on the principle of mutual induction. Curvature of the earth does not allow the television signals to be received beyond a particular distance. Infrared rays help in reading an old written material. लेजर क्या है डिवाइस दैट एमिट्स कोहेरेंट लाइट थ्रू प्रोसेस कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी एमिट्स एंड अब्सॉर्ब्स ऑल कलर्स ऑफ लाइट ए गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर रॉ मैंगो श्रिवल व्हेन पिकल्ड इन ब्राइन ड्यू टू ऑस्मोसिस कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी स्कूबा ड्राइवर असेंड्स टर्ड्स व वॉर सर्फेस वॉटर प्रेसर डिक्रीजेस सो अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ इन इज लंग एयर इन इज लंग्स एक्सपैंड टू ऑक्युपाई ग्रेटर वॉल्यूम वन द इनक्रीज विच इंक्रीज द चांस ऑफ बर्स्टिंग द लंग्स वैन अ बॉडी इज अ मोस्ट इन अ फ्लूइड द फ्लूइड एक्जर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स उसी को तो कहते हैं बॉइंट फोर्स और As the density of seawater is higher than that of fresh water, the so extra buoyant force and ship will rise a little higher. In automobiles, convex mirror is used as a rear-view mirror because the image of the vehicle formed is small in size due to this the field of view is increased and the driver of automobile can see the traffic over large area. Firefly gives us cold light due to chemiluminescence, light produced by chemical reaction. The focal length of a convex lens is shorter for blue light than than for red. As the plug is pulled out the value of resistance in the circuit decreases and hence more current tries to flow through the circuit. Pulling out the plug breaks and circuit and to complete the circuit for the flow of electricity a spark is observed. As white color reflects all the components of white light and black absorbs all बेस्ट कलर फॉर सन अब्रेला व्हाइट ऑन टॉप एंड ब्लैक ऑन इन साइड ध्यान रखने से वैन डीप सी फिशेज आर बॉट टू द सर्फेस ऑफ द सी द बॉडीज़ बर्स्ट क्योंकि ब्लड इन दर बॉडीज फ्लोज एट वेरी हाई प्रेशर। फाउंटेन पेन यूज कैपिलरी एक्शन इन एडिशन टू द ग्रेविटी फॉर फ्लो ऑफ इंक द गैस यूज इन रेफ्रिजरेटर इज कूल डाउन वन कंप्रेस्ड और डिग्री सेल्सियस कैन रेफर टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एलईडी क्या है सेमीकंडक्टर डिवाइस है इट्स अ फॉरवर्ड बाई पीएन जंक्शन डायोड व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी डिफ्यूजन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय व्हिच मॉलिक्यूल्स इंटरमिंगल एज अ रिजल्ट ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स ऑल कलर्स ऑफ लाइट आप जानते हैं वेव की ओर वन एंड ऑफ मिसेल इज अट्रैक्टेड टू वाटर एंड अदर टू मॉलिक्यूल्स और ऑयल दैट रिड्यूसेस ड्रास्टिकली द सर्फेस टेंशन द अपर एंड लोअर पोर्शन इन कॉमन टाइप ऑफ बाइफोकल आर कॉन एंड आजकल नहीं यूज करते हैं पेरेंट्स यूज करते होंगे आपके मेरे घर पे मेरी मम्मी करती हैं बाई फोगल लेंस यूज द इनर इनर्ट गैस विद इन द बल्ब प्रिवेंट्स द फिलमेंट फ्रॉम इवेपोरेटिंग तो उसका लाइफ इंक्रीज हो जाता है ऑस्किलोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच अलाउज अस टू सी वेवस प्रोड्यूस बाय साउंड द माइक्रोफोन कैन देन पिक अप द साउंड एंड कन्वर्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच कैन भी डिस्प्लेड ऑन द दस्किलोस्कोपोपो मॉडरेटर्स लाइक ग्रेफाइट एंड कार्बन आर यूज फॉर स्लोइंग डाउन द न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर Newton's laws of motion do not hold good for objects moving with velocity comparable to velocity of light because it does not follow this on uh, it on this level. If any magnet is divided into two parts, part partic near magnet will What is the assignment of mechanical power? F is equal to kx, k is spring constant and it measures stiffness or softness of spring. Liquids and gases show diamagnetic, paramagnetic and electromagnetic property, but it never shows ferromagnetic property. Semiconductors are solid substances that show electrical conductivity either with the addition of an impurity or because of temperature effect silicon germanium and gallium arsenide are semiconductors as they show electrical conductivity depending on the addition of impurity and temperature quartz is an insulator the center of mass of a body is the point where the whole mass of body is considered to be concentrated it may lie within or outside the body fountain pen cricket ball and book are all compact body as their center of gravity line within the body the center of mass of a ring is at its center, which is outside its body. Hard glass is used for making hard glass laboratory apparatus. Ultrasonic waves are generated by transducer that induces a uh, piezoelectric crystal that converts electrical energy to mechanical energy. Desalination by RO requires the use of osmotic membrane. The higher the applied pressure above the osmotic pressure, higher the rate of freshwater transports. The speed at which fuse blows depends on how much current flows in it or which material it is made when two bodies are isolated from the surroundings, the amount of heat lost by the hot body must be equal to the amount of heat gained by the cold body. The same principle is used in calorimeter. As heat is uh, as heat is energy in transit, ye jo principle is it's really just conserving the energy. Convection is the transfer of heat through uh, through the actual motion of particles, while in bulb transfer takes place through radiation when soap is mixed in water a colloidal solution is formed the soap solution has soap micelles, which are an aggregate of soap molecules these missiles are large and they scatter light the soap solution you a cloudy lagta hai. cotton readily absorbs water this is because the fibers of the cotton have a lot of space between them one reason cellulose makes cotton absorbent is that it contains a negative charge which help attracts Dipolar water molecules and absorb them. Another reason uh, is cotton's hydrophilic properties. Magnification is the process of enlarging the apparent size, not physical size, of something. This enlargement is quantified by a calculated number called magnification. When this number is less than one, it refers to a reduction in size, sometimes called minification or demagnification. A matter is anything that has mass and occupies space. Everything is made up of tiny particles. You know this. Every substance is made up of particles, and uh, these are the properties. All matter is made of particles. They have space. They are moving. They are faster and farther when heated, and they are attracted to each other. The frequency of sound wave is what you are here understands as pitch. Higher sound has higher pitch. Lower frequency sound has lower pitch. They have shorter wavelength of electromagnetic spectrum. It requires higher voltage to produce X-rays. They are used to capture the human skeleton defects. स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं एंड देर वेरी पावरफुल अ सिंपल पेरोस्कोप इज जस्ट अ लॉन्ग ट्यूब विद मिरर एट ईच एंड और दो प्लेन मिररस होते हैं पैरल ऑटोब्लैथी डिस्कवर द ट्रांसफॉर्मर अ ट्रांसफॉर्मर इज डिफाइंड एज अ पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस द ट्रांसफर्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इट्स मोस्ट कॉमनली यूज टू इंक्रीज स्टेप अपेप डाउन वोल्टेज हंगेरियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 1860 टाटा हंग्री एंड इवेंटर ऑफ मॉडल इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर टेंशन रेगुलेटर एसी वॉट मीटर मोटर फॉर सिंगल फेज इलेक्ट्रिक मोटर टर्बो जनरेटर हाई एफिशिएंसी टर्बो जनरेटर 1885 एटी में जेड मॉडल ऑल्टरनेटिंग करंट ट्रांसफॉर्मर का इन्वेंट किया था तीन हंगेरियन इंजीनियर्स ने ऑटोब्लेथी मिक्सा डेरी एंड कैरोली जिपर और इसके साथ हमारा फिजिक्स हो जाता है खत्म तो आई होप यू ऑल लाइक दिस लेक्चर छोटा ही बनाए ज्यादा नहीं है आप रिवाइज कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में बैठ जाइए आराम से एक डेढ़ घंटा और कंप्लीट कर दीजिए इसको ठीक है तो काफी हेल्प हो जाएगी आपकी एग्जाम में और आप डेफिनेटली याद करेंगे मुझे अपने पेपर में ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू बेस्ट विशेस कीप स्माइलिंग कीप स्टडिंग थैंक यू सो मच